दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी के चलते भारतीय बाजारों में है आज कमजोरी का ट्रेड। बैंक निफ्टी है ज्यादा कमजोर और निफ्टी रिकवरी की कोशिश में। आखिरी डेढ़ घंटे में कौन पड़ेगा भारी? निफ्टी खरीद खींचेगा बैंक निफ्टी को ऊपर या बैंक निफ्टी लाएगा निफ्टी को नीचे? क्या करें डेढ़ घंटे में, क्या करें कल के एक्सपायरी के दिन की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, इंतजार है आपकी स्ट्रैटेजी का भी सर, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग एक्शन हो रहा है। थोड़ा हमने देखा है डाउ फ्यूचर्स में भी इस समय रिकवरी के संकेत हैं, तो शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले तो बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें जी, लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट है और 11,250 के करीब निफ्टी है बैंक निफ्टी, लेकिन 550 अंक टूटा हुआ, 22,200 के करीब आपको बैंक निफ्टी नजर आएगा। ऑटो मेटल आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली इस वक्त आपको दिखेगी, लेकिन फार्मा शेयर ये बेहतर है, आज यहाँ खरीदारी होती दिख रही है। लुपिन बायोकॉन जैसे शेयर 2-2% मजबूत है। यूरोप के बाजार दमदार ट्रेड करते हुए 1% की शानदार तेजी और डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर है। और आपको याद है जब सुबह डाउ फ्यूचर्स नीचे नजर आ रहे थे 70-80 पॉइंट, तब भी हम यही कह रहे थे कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 3 दिनों का अच्छा करेक्शन 6% का डाउ में हो चुका है, 10% का नैसडेक में हो चुका है और यहां से गिरावट की संभावनाएं कम है, बेस बनाकर ऊपर आने की संभावनाएं ज्यादा। अब आई एम श्योर सुबह कॉन्फिडेंस भले नहीं रहा हो लोगों का, लेकिन अब ये देखकर जरूर आया होगा। तो वक्त से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कमजोरी होने वाली है, और जब कमजोरी हो तब ये भी समझना जरूरी है कि कहाँ से आपको सपोर्ट और कब से मिलेगा। ये दोनों ही चीज़ें आपको समय से आगे रहना है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दीप। तो थोड़ी राहत ग्लोबल मार्केट से आने के संकेत जरूर नजर आएंगे आपको। बिल्कुल अनिल जी, और आपने व्यूअर्स को समय से आगे ही रखा, क्योंकि सुबह ओपनिंग पर ही आपने कहा भी था कि अब बेचना नहीं है, अगर कोई अग्रेसिव कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहे तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी डिप पर बन रही है। तो सर बताइए फिर डेढ़ घंटे एक्शन बढ़ सकता है यहाँ पर, जैसे ग्लोबल रिकवरी आई है थोड़ी हम भी रिकवरी एक्सपेक्ट करें? अनडाउटेडली दीप, भले हम बढ़े ना बढ़े लेकिन बहुत गिरने वाला काम करना नहीं है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत क्लियर है कि व्यू आपको बहुत एग्रेसिवली तेजी का नहीं रखना है, लेकिन निचले स्तरों पर आपको मंदी तो नहीं करनी, ये चीज बहुत क्लियर कट है आपके लिए, ये जो संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो आपको फोकस ये करना है शॉर्ट्स कहाँ काटनी है, लॉन्ग कहाँ करना है और किस तरह से हेजिंग के साथ लॉन्ग करना है, ये चीज ध्यान में रखिए। मैं फिर कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी कोई जरूरत नहीं तेजी की तरफ, नहीं ओवर कॉन्फिडेंट आपको मंदी की तरफ होना है। वक्त लग सकता है 1-2 दिनों का, कल फिर से एक्सपायरी का दिन है, तो आपको थोड़ी सावधानी से ट्रेड करना है। लेकिन सावधानी से जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन लेवल्स पर आप क्या कर रहे हैं। और आप देखिए, आज नहीं, मैं इस सोमवार से लगातार आपको कह रहा हूँ कि 11,175 के नीचे बंद होंगे तो आपको ट्रेंड रिवर्सल का संकेत लेना है। और सोमवार से लेकर आज मंगल बुध और इनफैक्ट लास्ट शुक्रवार भी, आज का हाई लो देख लीजिए 11,185, जो लेवल बिना चार्ट्स के मैंने डेटा के दम पर ढूंढ के निकाला, एग्जैक्टली वहीं पर आप देखिए बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 11,175 तोड़ा नहीं है, 11,125 11,175 को हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर लगातार कर रहे हैं और वहीं पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग लेवल्स हैं और ग्लोबल मार्केट से मुझे संकेत बेहतर आते हुए दिख रहे हैं सुबह से ही, और अभी भी मैं पॉजिटिव मूड के साथ बाजार में हूँ। और जहाँ तक कमजोरी का और सावधान रखने का संकेत था, 3 दिनों से लगातार आपको कह रहे हैं, लेकिन अब जब सब सावधानी के संकेत में आ रहे हैं तो हमारा व्यू थोड़ा सा अलग है, हम थोड़ा सा यहाँ से पॉजिटिव होकर स्टेबल होने की बात कर रहे हैं। आइए और विस्तार से डेटा देखकर मैं आपको 2:30 बजे बताऊंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन उससे पहले दीप ये देख लेना जरूरी कि स्टॉक्स में कहाँ एक्शन है। भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, 2 बजे का वक्त है, आइए उनका करते हैं स्वागत। स्वागत है भसीन साहब आपका। सबसे पहले तो यही कि आज की सुबह की भी आपकी शॉर्ट कॉल SBI की काफी दमदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, एक बार अपडेट देने शॉर्ट और लॉन्ग कॉल्स दोनों का, कहां पर प्रॉफिट बुक करना है, कहां होल्ड करना है? जी तो आपको सुबह बहुत अच्छा पेयर दिया था, SBI शॉर्ट कराया था 198, वो 193.70 बिक गया, वहाँ प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन उससे भी अच्छा बायोकॉन है, 415 पे दिया था, 431 का भाव हो गया है, वहाँ पे भी आप प्रॉफिट। तो जब आपको पेयर मिले तो आपको इससे ज़्यादा अच्छा हो नहीं सकता कि दोनों तरफ प्रॉफिट होए, कभी एक में 1.5 या 2% होएगा दूसरे में 3, तो यू मस्ट बुक बोथ ऑफ देम।
उसके अलावा अनिल जी, कल मैंने आपको गोदरेज कंज्यूमर दिया था, वो आज का हाई मारा 686, 652, 652, 653 से। आपको मैंने डाबर दिया था, वो आज का हाई मार रहा है 491 पे। और आपको शॉर्ट कराया था 39.5-40 में सेल, उसका 37.5 का लो मार गया, उसमें भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेटल टर्न राउंड, तो आई थिंक नाउ देर इज गोइंग, और मेटल का टर्न राउंड का मतलब है देर इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रा रैली, बिकॉज जो डॉलर की स्ट्रेंथ थी वो हो गई। जैसे मैंने आपको कहा ये एक हफ्ते की और अटकली है, आई वुड अगेन थिंक दैट द मार्केट इज गोइंग टू ट्रेंड हायर आफ्टर दिस वन वीक ऑफ कंसोलिडेशन स्ट्रोक करेक्शन, जो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगी। अब आप कहें तो कॉल, तो सर दो कॉल हैं, दोनों बाय की हैं। जी सर प्लीज बताएं। तो पहला बाय है सर, अगेन वन ऑफ द बेस्ट कंजम्पशन प्लेस, जिसके रिजल्ट आउट परफॉर्म थे, स्टॉक ने थोड़ा सा करेक्शन दिया फ्रॉम रिसेंट हाई, टाटा कंज्यूमर 533-534 का स्टॉक भाव है, 523 का स्टॉप लॉस रखिए, 575-590 का टारगेट। दूसरा प्ले है सर सन टीवी, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट और जो बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है, 67-68 में लीजिए, 461 का स्टॉप लॉस, 485 का टारगेट। ओके, तो दोनों खरीदारी करने की राय है यहाँ पर, पहले टाटा कंज्यूमर्स यहाँ पर खरीदारी करें, 533-534 के आसपास यहाँ पर खरीदारी करनी है, 533-534, 523-523 का स्टॉप लॉस है, 575-590, 575-590 ये दो टारगेट। दूसरी खरीदारी करनी है आपको सन टीवी में, 467-468, 467-468 में, 461-461 का स्टॉप लॉस होगा, 485-485 ये हैं टारगेट आपके लिए। शुक्रिया वजीन साहब, 2:50 में करेंगे आपसे फिर मुलाकात, लेंगे आपके BTST पिक्स भी, लेकिन फिलहाल बसंत साहब की तरफ से दोनों में ही खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं उन तमाम इवेंट्स पर जहां पर फोकस करना है आपको। मानसी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए ये इवेंट्स। मानसी, कौन कौन से इवेंट्स है आपकी लिस्ट में? जी गुड आफ्टरनून अनिल सर, आज कैश स्पेस की कंपनी एवरेडी इंडस्ट्रीज, इमामी रियल्टी, आईबी वेंचर्स के नंबर्स आने वाले हैं, नतीजों पर फोकस रहेगा। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज बंद होने जा रहा है। शाम 5 बजे एसेट मोनेटाइजेशन पर कोर ग्रुप कमेटी की बैठक होने वाली है, जिस पर नजर रहेगी, और साथ ही आज नीति आयोग की भी बैठक होने वाली है। साथ ही वित्त मंत्री शाम 4 बजे पीएसबीज अलायंस डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लॉन्च करने जा रही है। कल की अगर बात करें, कल नतीजे वेस्ट कोस्ट पेपर, जय भारत, मारुति, एचएल, हिंदुस्तान कॉपर, गोवा कार्बन जैसी कंपनियों के नंबर्स आते दिखेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं कल के लिए। लोन मोरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होने जा रही है, गुरुवार का दिन है। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। टीडी सैट में ट्राई वर्सेज वोडाफोन आइडिया मामले पर अगली सुनवाई होने जा रही है। सेल के नतीजों को लेकर एक बोर्ड बैठक होगी। वहीं 5 राफेल विमानों की आधिकारिक तौर पर वायुसेना में कल एंट्री हो जाएगी। और साथ ही भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की रूस में कल मुलाकात होने जा रही है। शुक्रवार का दिन नतीजों के लिहाज से भेल के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वायदा बाजार में BHEL के नतीजे आते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं कैश स्पेस में BGR एनर्जी, IRCTC, RVNL जैसी कंपनियों के नंबर्स आएंगे। जुलाई के IIP आंकड़े आने वाले हैं। इसी दिन दीपक फर्टिलाइजर राइट इश्यू के प्रस्ताव पर एक बोर्ड बैठक करेगा और रूट मोबाइल का IPO इस दिन बंद हो जाएगा। ओके, नजर रखते हैं, कई सारे इवेंट्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। आइए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। संदीप हमारे साथ तैयार है। संदीप बताइए, मार्केट्स खुलने के बाद कौन से स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में आए हैं? गुड आफ्टरनून दीप, सबसे पहले CESC वेंचर्स, थोड़ी देर पहले इसके नंबर्स आए हैं और नंबर्स अच्छे आए हैं सरप्राइजिंगली। आप देखिए इनकी आय 4% ही बढ़ी है, लेकिन कामकाजी मुनाफे में 21% का जंप है। जो मार्जिन 10% वाले थे वो बढ़कर 12.5% हो गए और मुनाफे में भी 28% की ग्रोथ है। 35 करोड़ वाला मुनाफा 45 करोड़ बढ़कर आता हुआ दिखा है। इसके अलावा राइट्स, इसको लेकर आज एक अपडेट आता हुआ दिखा है। वायर्स के हवाले से खबरें आई हैं कि सरकार इसी वित्त वर्ष में यानी कि FY21 में हो सकता है कि OFS के जरिए अपना हिस्सा बेचती हुई दिखे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां पे खबरें आई हैं कि अब रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक 0.2% हिस्सा खरीदेगी। 7,500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश उन्होंने किया है और हो सकता है कि KKR भी रिलायंस रिटेल में अब निवेश करती हुई दिखे। ऐसा ब्लूमबर्ग के हवाले से खबरें आती हुई दिखी हैं। $100 करोड़ के आसपास का निवेश ये भी हो सकता है। डॉक्टर रेड्डीज, दो खबरें हैं। एक US में उन्होंने जेनरिक का लॉन्च किया है, वोल्टेरन नाम की एक दवा है उसको लॉन्च किया है, और भारत में रेमडेसिविर का एक जो वर्जन है रेडिक्स नाम से
वो दवा भी इन्होंने भारत में लॉन्च करी है। तो दो बड़े लॉन्च आज डॉक्टर रेड्डीज की ओर से आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है, रोड्स को लेकर आईआरबी इंफ्रा एलएनटी फोकस में है। दरअसल 15,000 करोड़ रुपए के जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलपर्स को सरकार आवंटन कर सकती है और ये राहत के तौर पे हो सकता है। सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को क्लेम सेटलमेंट के लिए भी बुलाया गया है। 774 प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 6,526 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं सरकार की ओर से। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो रोड ट्रांसपोर्टेशन या रोड डेवलपर्स हैं उनको राहत देने की जो तैयारी है वो सरकार की ओर से की जा रही है। एक और एक्सक्लूसिव खबर है जिससे गुजरात फ्लोरोकेम को फायदा होता हुआ दिखेगा। चीन से इंपोर्टेड एफकेएम यानी कि जो फ्लोरो लास्मर्स, इसकी जो जांच है वो दरअसल सरकार ने अब शुरू कर दी है। गुजरात फ्लोरोकेम ने इसकी शिकायत करी थी और ड्यूटी जारी रखने की जो अर्जी है इस कंपनी की ओर से दी गई थी। अब इसकी जो जांच है वो सरकार ने शुरू कर दी है। तो गुजरात फ्लोरोकेम का स्टॉक आज फोकस में है। इसके अलावा कैडिला हेल्थकेयर इनकी सब्सिडरी राइडस को USFDA से डायबिटीज की एक दवा है जिसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। स्टील शिप्स व्हील्स पे भी नजर रखिए, इनको ऑर्डर हाथ लगा है यूएस से। $10 लाख का ये जो ऑर्डर है उनके हाथ लगता हुआ दिखा है। इसके साथ साथ MTNL ये स्टॉक भी आज फोकस में है। खबरें ऐसी आती हुई दिखी है कि FY21 में एसेट बिक्री से करीब करीब 5600 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई जा सकती है। BSNL MTNL के जो एसेट मोनेटाइजेशन है उसका जो ड्राफ्ट है ऑलरेडी कैबिनेट नोट उसके ऊपर जारी कर दिया गया है और DOT ने एसेट मोनेटाइजेशन पर ड्राफ्ट कैबिनेट नोट जारी किया है। तो उस लिहाज से देखा जाए ये स्टॉक भी आज फोकस में है। ऑटो स्टॉक्स भी आज फोकस में है। दरअसल फाड़ा जो कि एक एजेंसी है उन्होंने अगस्त में जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है उसके डेटा रिलीज किए हैं जिसमें करीब 27% के आसपास की कमी आई है। टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन करीब 29%, सीवी रजिस्ट्रेशन 57.5% और थ्री व्हीलर के रजिस्ट्रेशन में करीब 70% के आसपास का ड्रॉप आया। और ट्रैक्टर जो कि एक बहुत डिमांड में थे उनके रजिस्ट्रेशन भी आप देखें तो अगस्त महीने में करीब 28% के आसपास ड्रॉप होते हुए दिखे हैं। और आखिर में ब्लॉक डील्स की बात करें तो टाटा मोटर्स 20 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं 137.80 से 140.15 रुपए के बीच में। रिलायंस इंडस्ट्रीज 7 लाख से ज्यादा शेयरों के सौदे हुए हैं 2085 से 2145 ये भाव है। और SBI में भी आज करीब 12.25 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 196 रुपए पर। बिल्कुल बड़े सौदे हुए हैं कुछ शेयर्स में। SBI पे आज जो भारी प्रेशर देख रहे हैं। बट कई सारे फार्मा स्टॉक्स के बारे में संदीप ने बात करी और फार्मा शेयर्स में अब हम थोड़ी और तेजी आते हुए देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स से चर्चा करते हैं कुछ फार्मा स्टॉक्स के बारे में क्योंकि यहाँ पर बाजार में बढ़िया एक्शन है। बायोकॉन पर तो भसीन साहब बुलिश भी देकर गए हैं। किरण जी, डॉक्टर रेड्डीज सुबह से ही अच्छा एक्टिव ट्रेड दिखा रहे हैं, बल्कि पिछले हफ्ते से ही इसमें काफ़ी एक्टिविटी रही है, दोनों तरफ के ट्रेड्स हैं। फिलहाल अच्छे गेन है 1.5% की। 44.30 पर क्या करना चाहिए डॉक्टर रेड्डीज के साथ? देखिए, लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने चाहिए, सपोर्ट्स के ऊपर है 4300 4320, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक ये क्रैक नहीं करता तब तक मुझे लगता है कि वापस एक बार एक उछाल देखने को मिल जाना चाहिए। मार्केट थोड़ा वीक है और डिफेंसिव सेक्टर्स थोड़े से काम आते हैं, तो मेरा मानना है कि इधर मुझे लगता है कि 4480 के लेवल्स टेस्ट हो जाने चाहिए। ये एक ब्रेकआउट लेवल है, इसके ऊपर अगर चलता है तो मेरा मानना है कि 4575 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो माइल्डली बुलिश अभी ये चार्ट पैटर्न कहला है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक पर। आइए बढ़ते हैं आगे और अब फोकस करते हैं जय के जैकपॉट पर बिगुल के साथ। तो क्लोजिंग शो का पहला बिल्कुल जय, बताइए क्या करना है, लॉन्ग या शॉर्ट? अंदाजा लगाने की कोशिश करूं तो ऐसा लग रहा है लॉन्ग कॉल होगा आपका। हाँ जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल सही अंदाजा आपका अनिल जी, हमेशा की तरह। अनिल जी, मेरा भी बाय रिकमेंडेशन है फार्मा स्टॉक्स पर और उसमें से बायोकॉन का 430 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है अनिल जी, जो अभी 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें बहुत ही बढ़िया आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट देखने मिला है अनिल जी। इस पे स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 10.30 रुपए का और ऊपर में जो पहला टारगेट बनकर आ रहा है वो 22 रुपए का है, दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है 26.50 का, 22 and 26.50 ये दो टारगेट्स के लिए बायोकॉन का 430 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 16 के आसपास, 10.30 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। अनिल जी, क्लियरली 14 चैनल में से ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में, मोमेंटम में फिर से बाय आया है। एक और इंटरेस्टिंगली ये है कि 38% से एक्जैक्टली रिवर्स हुआ है ये स्टॉक और अगर जहां तक ओपन इंटरेस्ट का सवाल है, कुछ खास बढ़त तो इसमें देखने मिली नहीं है, बट यस ओवरऑल मोमेंटम काफी पॉजिटिव है ये स्टॉक में, ओवरऑल फार्मा पैक में। सो मैं कहूंगा ये स्टॉक को लेकर जा सकते हैं यहाँ से ऊपर में लगभग 450-55 तक के लेवल हमें स्पॉट साइड पर देखने मिल सकते हैं। ये 420 वाला कॉल ऑप्शन है या 430 वाला? 430 वाला कॉल ऑप्शन, 430 वाला। 430, ओके परफेक्ट।
430 का कॉल ऑप्शन है। आशीष सर भी हमारे साथ है। आशीष सर, 22,100 के नजदीक बैंक निफ्टी है, 11,225 के नीचे के नजदीक निफ्टी है, क्या इन लेवल्स पर शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है या कुछ नहीं करना है? और साथ ही आपने जो स्प्रेड दिए हैं ढेर सारे, वो भी वैसे तो मैंने आपकी एब्सेंस में सुबह आपने जो मुझे मैसेज भेजा उसके बेसिस पे मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए कह ही दिया था, फिर भी आप जो भी अपडेट देना चाहें वो भी बता दें सर। अनिल जी, फॉर्चुनेटली एंड लकीली बहुत जितने भी स्प्रेड किए हैं सारे प्रॉफिट में हैं, वीकली स्प्रेड अच्छे प्रॉफिट में है, मंथली स्प्रेड अच्छे प्रॉफिट में है। और अनिल जी, बात वही है, सेम रिपीट करूंगा जो बोला था कि जो तीन चीज़ें पिछले 10 दिन में नज़र आ रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन। और अनिल जी, मतलब अगर मैं लैंग्वेज यूज़ करूँ तो इतना ब्यूटीफुली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, आप ये देखिए बीच में ये सरकारी कंपनीज थी इनमें एक यूफोरिया बना। अनिल जी, 82, 84, 85 में ONGC लेके 2 रुपये 3 रुपये बना के एंड में देखिए 71 रुपये। और मतलब ऐसे बहुत सारे कोल इंडिया या इतने सारे स्टॉक्स हैं अनिल जी, एंडलेस हैं। बैंकिंग में अनिल जी, मैंने आपको बोला था कि बंधन और RBL से नहीं घटेंगे एक्सिस, ICICI, SBI, और इतना ब्यूटीफुली घटाया अनिल जी। एक्सिस मतलब आप ये देखिए, 505 में भी लोगों को सपोर्ट दिखती थी, 485 में भी, 465, 445 और अनिल जी 430 रुपये, और किसी को हवा तक नहीं लग रही है कि मतलब 100-100 रुपये एक्सिस बैंक नीचे आ गया है। अनिल जी, यही पैटर्न होता है जो इतना क्लियर कट होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। अनिल जी, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, स्टेट बैंक 160 से 220 और FIs की कॉल आती है कि मतलब नया टारगेट 280। सिमिलरली टाटा मोटर 80 रुपये से जब 160 हो जाता है, 155 तो एक वो नया टारगेट आता है। टाटा स्टील जब वो 150 रुपये बढ़ जाता है तो उसके बाद एक नया टारगेट आता है बाय कॉल। अनिल जी, ये सारे तेजी के सिग्नल में जब ये बाय कॉल्स और ये नए टारगेट्स आते हैं ना, ये एक फ्यूल टू द फायर होता है, फायर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्लियर होता है। अनिल जी, जैसे आप एक मस्ती की पाठशाला करते हैं ना, ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो बियॉन्ड डेटा दिखते हैं, तो एक मंदी की पाठशाला भी करिए जिसमें अनिल जी लोग फंसे ना। बस मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई शॉर्ट करे, कोई जरूरी नहीं होता शॉर्ट करना होता है या बहुत खराब होता है, एक लेवल पे अनिल जी जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है उससे बचना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए अनिल जी किस तरह का प्राइस डिस्ट्रक्शन हुआ है मेटल्स में, बैंक्स में, और बैंक्स अनिल जी आज कोटक बैंक कल सेल दिया था, कल कोटक सबसे स्ट्रांग दिख रहा था, आज किसी भाव से कोटक अनिल जी 2 रुपये नहीं बढ़ता, 340, 1330, 1320 किसी भाव से 2 रुपये नहीं बढ़ता। अनिल जी, ये होती है जो दिखती है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है। तो अनिल जी, अभी भी मुझे लगता है कि मतलब मार्केट सेल एट राइज है, अब जो स्टॉक्स लोगों के फंस गए होंगे लेकिन अभी भी मार्केट सेल एट राइज है, बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा वीक लगता है। कि लेकिन पिछले शुक्रवार से लेकर कल तक हमने बहुत अच्छे से आशीष जी लोगों को सावधान किया है, लगातार कहा है कि आप तेजी की पोजीशन कम करिए, रिड्यूस करिए, शॉर्ट कॉल भी दिए, बैंक निफ्टी पे शॉर्ट कॉल दिए, ऐसा नहीं है। अब ये अलग बात है कि हर आदमी आपकी लैंग्वेज नहीं बोल सकता, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप ये मत कहिए कि किसी ने बताया नहीं, ये चीज़ नहीं है, खुद मैं गवाऊँ, आप चाहें तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूँ कि हमने शुक्रवार से ही कहना शुरू कर दिया लोगों को कि आप सावधान हो जाइए, तेजी की पोजीशन कम कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, शॉर्ट करने में। आप देखिए सुमित जी, आज बुधवार, सुमित जी नहीं है, सबसे पहले सुमित जी ने लगातार शॉर्ट कॉल देने शुरू किए। जी जी आशीष जी, नहीं नहीं अनिल जी, एक चीज अनिल जी बिल्कुल, सुमित ने बहुत बढ़िया शॉर्ट कॉल्स दिए हैं, दम से दिए हैं। आपको पता है कि जितना आप ट्रैक करते हैं मैं भी करता हूँ, हिंडाल्को, फेडरल बैंक, और मतलब कई तरह की शॉर्ट कॉल्स दिए, बहुत बढ़िया दिए हैं। अनिल जी, मैं एक और ना एक मैक्रो बात कर रहा हूँ जी। अनिल जी, स्टेट बैंक 220 रुपये है, मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो स्टेट बैंक तो होता कोई बात नहीं है, उसके चलते बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, फेडरल बैंक जो लेने में आ जाते हैं लोग, मतलब अनिल जी मैं आपको एक बात बताऊं, बैंक ऑफ बड़ौदा का भाव होगा शायद 50 रुपये या 45 रुपये, लेकिन 5-5 रुपये करके 25 रुपये का लॉस हो चुका होगा लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा में। सेम इज द केस विद द PNB और फेडरल बैंक। फेडरल बैंक क्या करता है, 57 में दिलवाता है, 50 में कटवाता है, 57 में। तो अनिल जी, ये जो चीज है ना, मतलब फेडरल बैंक का भाव अगर आप पिछले 3 महीने में देखेंगे 50-57, लेकिन वो 5-5 रुपये के लॉस में जब वो ब्रेकआउट दिखता है या कुछ भी दिखता है, वो 5-5 करके 25-50 रुपये वाला स्टॉक ले जाता है। तो अनिल जी, इस चीज के लिए मैं कहता हूँ कि अगर रहना है लॉस देना है तो स्टेट बैंक में ही दो, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, फेडरल में नहीं जाओ। मतलब ये चीज का, इस चीज का बहुत बड़ा डिसिप्लिन है कि मतलब ये ONGC, IOC, कोल, इनके अंदर मत जाओ, ये आपको कभी पैसे नहीं कमा के देंगे ढंग से। बहुत ही स्मार्ट ट्रेडर होगा जो जल्दी से बड़ा बड़ा लॉट। आपकी बात सही है,
आशु जी आपकी बात सही है, लेकिन फिर तो ऐसा है ना कि फिर खाली एक SBI लिस्टेड रहे, बाकी बैंकों को लिस्ट होने की जरूरत ही क्या है। तो ये सबके अपनी अपनी चॉइस है। देखिए हर आदमी आपके मेरे हिसाब से ट्रेड करे ये जरूरी नहीं, अपने हिसाब से इन्वेस्ट करे जरूरी नहीं। किसी को SBI देख के फेडरल बैंक अच्छा लगता है लगता है, उसकी चॉइस है। हमारा काम है उनको एकदम सही टाइम पर बताना बस, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अभी अभी मुझे सुमित जी ने मैसेज भेजा है, मैं आपको बता दूँ, सेल कॉल्स गिवन ऑन जी HDFC लिमिटेड 1830 पे बेचने की राय दी, आज का लो 1755। एक्सिस 463 पे बेचने की राय दी 425। REC 111.12 104.50 का 104.60 का लो। HDFC बैंक 1115 पे बेचने की राय दी 1092.50 का लो। कोल इंडिया 132 वाला 125। ऐसे 8 स्टॉक और हैं, मैं एक एक स्टॉक के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको दोनों तरफ एडवाइस प्रॉपर मिलेगी, एंट्री भी एग्जिट भी। और आज सुबह से हम लोगों को पैनिक नहीं करने को कह रहे हैं, बल्कि जहां शॉर्ट कॉल आए सारे के सारे वो NBFC स्टॉक है, और वहां पर लोगों ने काफ़ी हद तक खरीदारी, जो शॉर्ट कॉल जो NBFC में किए वो तगड़े किए। और एक और बात, बंसल जी हमारे सुबह, कुणाल जी और बंसल जी ने दबाकर रिलायंस का लॉन्ग कॉल दिया, जो शानदार काम करता दिख रहा। जी हाँ, रिलायंस डे आई पर है। बंसल जी रिलायंस पर एक अपडेट दे दीजिए। देखिए अनिल जी, बहुत बेहतरीन टेक्निकल रुझान है अनिल जी, ये तो निफ्टी ने अभी हाथ रोके हुए हैं थोड़ा सा, अगर निफ्टी थोड़ा सा और साथ दे तो अनिल जी मतलब कि पिक ऑफ द डे बनेगा। रिलायंस का वो जो पैटर्न है नीचे में, राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है, पहले तो जियो की वजह से चला था, और जो आज जी बिजनेस ने न्यूज ब्रेक करी है रिटेल को लेके, तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन है। और रिलायंस जो सुबह भी बोला था मार्केट को, निफ्टी को ऑक्सीजन देने का काम कर सकता है, तो रिलायंस में तो क्लियरली होल्ड की राय है जिन्होंने लिया हुआ है। और एक बार क्लोजिंग के समय इसको मैं और कुणाल जी रिव्यू करेंगे, अराउंड 3 o'clock इसको रिव्यू करेंगे कि फर्दर क्या करना है, तो उस रिव्यू के लिए जुड़े रहे, चिपके रहे जी बिजनेस के संग। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए रिलायंस जो एक तरफा बाजार को खींचने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक रिलायंस नहीं और भी बहुत कुछ है लाइफ में, और वो क्या कुछ है बताने के लिए तैयार है वागले साहब, वक्त है वागले का वंडर का। बताए वागले साहब। अनिल जी मैं रिलायंस में ही बाय देना चाह रहा था, मैंने जब हाथ ऊपर किया था तो 2148 का लेवल था, ऑलरेडी एक 12-1 रुपए बढ़ गया, 10-12 रुपया अभी भी ले लीजिए, मेरे को ये 2200 के ऊपर जाते हुए लगता है। आपको शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग टारगेट चाहिए तो 2180-2185 होगा, लेकिन ये जैसे 2200 के पार निकलेगा इसमें एक 100 से 150 रुपए की मूव आएगी, तो मार्केट का बॉटम आसपास है ऐसा मेरा मानना है। शायद ये आज के दिन में नहीं होगा, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों में मुझे लगता है ये 2250 से 2300 तक रिलायंस जाने के अच्छे चांसेस है। और ऑन द डाउन साइड मैं क्लोज स्टॉप लॉस देता हूँ 2135 का, जो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है, उसके नीचे जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप सेलेक्टिवली सोच समझकर जहां चार्ट पर संकेत आए निश्चिंत होकर बाय कॉल्स दीजिए। आज सुबह से हम लगातार पॉजिटिव कमेंट्री कर रहे हैं, जब सब लोग पैनिक में हैं, जब सब लोग ओवर बुलिश ओवर कॉन्फिडेंट थे 10,000-11,500-11,600 की रेंज में, तब से हम लगातार कह रहे हैं कि पोजीशन हल्की कीजिए हल्की कीजिए, और जब हल्की हुई है अब लेने का वक्त है, धीमे धीमे लीजिए। कोई एक साथ एक ही दिन में ऐसा नहीं ठूंस ठूंस के खा लेना है, आराम से खाइए, जितना पचा सकते हो उतना खाइए। ऐसा नहीं कि आपके लेते स्टॉक भाग जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मार्केट है आपको थोड़ा वीक दिखेगा भी, लेकिन आप धीरे धीरे खरीदेंगे। इन लेवल्स पर बेचना नहीं है, इन लेवल्स पर खरीदना है, या खरीदने का कॉन्फिडेंस ना हो तो शांति से बैठिए। पैसे बचाना पहले इंपॉर्टेंट है, कमाना सेकेंडरी, बचेंगे तो कमा लेंगे, बचेंगे नहीं तो कमा नहीं पाएंगे, ये बात पक्की है आपके लिए। ओके, तो ये आपके लिए स्टॉक से जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलायंस की वजह से बाजार में एक्शन भरपूर हो, रिलायंस के अलावा भी सपोर्ट के लिए तैयार है ढेर सारे स्टॉक, जो मजबूत है वो मजबूत है। उनमें से एक मजबूती भरा स्टॉक है एस्कॉर्ट्स, जो लगभग 6% मजबूत होकर तेजी के साथ कारोबार करता दिख रहा है। आइए आगे और बढ़े, उससे पहले एक बार आशु सर की तरफ से आ रहा है एक BTST कॉल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर, स्विंग दिखाएंगे सेल के बजाय बाय कॉल अब? हाँ जी अनिल जी, स्विंगी है आशीष सर, आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं। अगर आपको ध्यान हो पर जी जी जी, आप आवाज आ रही है जी, आवाज
जी, मैं कह रहा था परसों हमने भी रिलायंस बीटीएसटी दी थी 2145 के टारगेट से, और उस दिन तो एनीवेज रिलायंस में तो हमारा बाय कॉल ही था। अनिल जी, अब एक स्विंग का ही ट्रेड देना है अनिल जी, मंथ एंड का 11500 का कॉल, अनिल जी मंथ एंड का 11500 का कॉल है 85 से 90 रुपए के बीच में, एब्सोल्यूट बाय करना है, 50 रुपए का स्टॉप लॉस और 200 रुपए का टारगेट है। सो अनिल जी, एक बाउंस के लिए हमें खेलना है, इसलिए मैंने कहा कि मंदी के बीच में तेजी भी निकालनी होती है, तो जो मंथ एंड का 11500 का, अनिल जी कोई स्प्रेड नहीं बनाना, प्लेन वनीला 11500 का कॉल लेना है 85 से 90 रुपए के बीच में, तसल्ली से लेना है, भाग दौड़ कोई नहीं है ऑप्शन के अंदर। और अनिल जी, इसका स्टॉप लॉस होगा 50 रुपए, टारगेट 200 रुपए प्लस का है, और इसको एक बार अनिल जी जरूर मुझे मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि एक बाउंस बैक अच्छा आ सकता है मार्केट के अंदर। और मैंने अमित जी, अनिल जी जैसे मुझे कहा कि निफ्टी मुझे बैंक निफ्टी से ज्यादा अच्छा लगता है, या रिवर्स बोलूं तो बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा वीक लगता है, सो ये निफ्टी का कॉल है। एब्सोल्युटली परफेक्ट, अगर पेयर बनाना हो इंडेक्स में तो वही होगा, लॉन्ग निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी। लेकिन जो लोग आशु सर को ये समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि आशु सर की वजह से मंदी होती है, देखिए आज मंदी के मार्केट में बाय कॉल आशु सर का ही आ रहा है, तेजी के मार्केट में शॉर्ट कॉल आशु सर का ही आता है, 11500 11600 पर कोई पुट स्प्रेड बनाने को तैयार नहीं होता, तब आशु सर पुट स्प्रेड बनाते हैं। आज अभी खरीदने वाले कमे हैं हमारे, जय हैं। अच्छा, जय का तो कमाल ही है, जय ने तो कल भी दोनों ही तरफ के वाले ट्रेड दिए और आज भी जय कमाल करते हुए दिख रहे हैं। तो निफ्टी में एक ही दिन दोनों तरफ के ऑप्शन बनाकर पैसा बनाकर कमाना वाकई में कमाल की बात है। तो अब 11250 का कॉल ऑप्शन खरीदिए इस महीने के अंत का, ये महीने के एंड वाला, ये वीकली वाला नहीं, ध्यान से रखिएगा, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे अरे ये कहाँ से 85-90 रुपए में तो मिल ही रहा। और देखिए बहुत कम ऐसा होता है जब आशु जी आपको स्प्रेड नहीं देते हैं, या बिना स्प्रेड के प्लेन वनीला कॉल ऑप्शन खरीद के बैठ जाना है 85-90 रुपए में, 40 रुपए की रिस्क है, 35 रुपए की 50 का स्टॉप लॉस, लगी तो लॉटरी 200 हो जाएगा। एक बार 11500 अगर सपोज अगले हफ्ते निफ्टी पहुंच जाता है, और कोई बड़ी बात नहीं, 250 पॉइंट बढ़ने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बढ़ने में बढ़ भी जाए कोई बड़ी बात नहीं, तो यहां से आप 11500 का कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाइए। और इस 11500 के कॉल ऑप्शन में आशु जी तन और मन से मैं आपके साथ हूं, धन की व्यवस्था आप अपनी स्वयं करें, दर्शक भी अपनी स्वयं करें, तन और मन से मैं आपके दोनों के साथ हूं, आपके भी साथ हूं, दर्शकों के भी साथ हूं, मुझे भी पसंद है 11500 का ये कॉल ऑप्शन 85-90 रुपए में आप खरीद कर बैठे, मंथ एंड का पैसे बनने चाहिए इसमें, ये आपके लिए राय। ओके, तो ये है आपके लिए वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर आप एक्शन देख सकते हैं। एक और स्टॉक जहां पर मजबूती बनती हुई दिख रही है वो है BSE। उससे पहले हाँ, मैं अगला कॉल लूँ, उससे पहले जय तैयार है और जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी बहुत बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि आपके साथ सहमत हूं, आप मॉर्निंग में भी कह रहे थे कि पैनिक नहीं होना है, ये मार्केट में जहां पे वीकनेस स्टॉक में लगे वहां पे तो करनी है, बट ओवरऑल बाजार में इतना पैनिक नहीं होना है ये लेवल पे। और देखिए रिकवरी एज एंटीसिपेटेड, हम मॉर्निंग में बात कर रहे थे कि नीचे के लेवल्स में 11200 के नीचे जब तक बंद नहीं आता अनिल जी, तब तक एक बाउंस देखने मिल सकता है, वो कारण कोई भी हो सकता है, चाहे वो रिलायंस हो सकता है कि दूसरे कोई स्टॉक्स में हमें अच्छी तेजी देखने मिली जिसके कारण इंडेक्स में अच्छा एक वेटेज के साथ बाउंस देखने मिले। अनिल जी निफ्टी में ना एक अच्छा फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म हुआ है जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है अनिल जी, और बहुत ही रेयरली मैं कहूंगा कि ऐसा पैटर्न फेल होता है, बहुत ही रेयरली, आई मीन फॉलिंग वेज पैटर्न जिसे हम एंडिंग डायगोनल पैटर्न भी फॉर्म करते हुए या तो बोल सकते हैं। इसका जो लो आज का है 11200 का फ्यूचर है, जब तक इसके नीचे बंद नहीं आता मैं कहूंगा यहाँ पे तेजी करके चलना चाहिए मार्केट में, विद दैट एज अ स्टॉप लॉस, वो अगर टूट जाए तो डेफिनेटली फिर तो बहुत ही भयंकर मैं कहूंगा कि मंदी भी हो सकती है उसके नीचे, बट 11200 के नीचे जब तक बंद नहीं होता अनिल जी निफ्टी को खरीद कर चलना है। 11270 के आसपास हमने रिकमेंड किया है, मुझे ऐसा लग रहा है बाउंस अगर 38% का भी आया अनिल जी तो 11350-400 तक के लेवल हमें फिर से दिखाई दे सकते हैं निफ्टी में, और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हो भी सकता है कि निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आ जाए। सो आई थिंक ये रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग जाना निफ्टी पे ये टाइम पे बहुत ही अच्छा है, एंड अगर हेज करना ही है तो हम अनिल जी ये कर सकते हैं कि हम इसमें प्रोटेक्टिव पुट कर सकते हैं, हम निफ्टी का फ्यूचर ले लें, क्या ये तो बता ही नहीं रहे हो आप भाई साहब, पुट ऑप्शन ले लें। हेलो बाय कर रहे हैं जी, बिल्कुल निफ्टी बाय करके चल रहे हैं अभी, अरे तो बताओ तो सही क्या लेवल तो दो। अनिल जी जैसे मैंने कहा कि 11350 से 400 तक का मूव आ सकता है, 11200 के नीचे जब तक बंद नहीं आता तब तक निफ्टी में एक बाउंस बैक की उम्मीद है। इनफैक्ट मैं कहूंगा अगर जो अग्रेसिव ट्रेडर्स नहीं है
उन्हें अगर अपनी पोजीशन हेज करनी है तो ये भी कर सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर बाय करे और 11250 का पुट बाय कर ले, तो एक प्रोटेक्टिव पुट भी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कंजर्वेटिव ट्रेडर्स। पर अगर अग्रेसिव ट्रेडर हो तो मैं कहूंगा 11200 की क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करके जाइए। ओके मतलब एक तो फ्यूचर खरीद लो और 11250 का पुट खरीद लो। अच्छा ये 11250 का पुट कौन सा, कल वाला खरीदना है कि अगले हफ्ते वाला? नहीं नहीं जी, कल वाला ही हम खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज यू नो काफी नजदीक है हम 11200 के स्टॉप लॉस के साथ, आई थिंक बाउंस बैक की उम्मीद है तुरंत ही, तो 11250 का कल के एक्सपायरी का ही खरीदना चाहिए। ओके ठीक है, तो कल की एक्सपायरी वाला 11250 का पुट खरीदना। आइए अगला बिगुल है कुणाल जी राकेश जी के लिए और उसके बाद मेरी 2:30 बजे की स्ट्रेटजी। बताएं सर। अनिल जी हमारी खरीदारी की राय है यूपीएल पर, इसके अंदर भी एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और अब ये डेज हाईस पे चल रहा है और साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है, तो यूपीएल को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए कैंडलस्टिक पर एक पैटर्न बना है जिसको पियर्सिंग लाइन रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है, तो मौजूदा स्तरों पर पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन इस चार्ट पर होता हुआ दिख रहा है और इस स्टॉक ने नीचे के स्तरों से बहुत ही शार्प आज रिकवरी दिखाई है, तो स्ट्रेंथ का सूचक है। यूपीएल में हमारी खरीदारी की राय है, यहां पर 482 जो कि आज इसके खुलने का भाव है वहां पर आपको एक स्टॉप लॉस रखना है, जो पहला टारगेट होगा वो 518 रुपए का 518 का और दूसरा टारगेट 530 रुपए का 530 का, तो 530 रुपए का 530 का, तो 518 530 के टारगेट के लिए यूपीएल में हमारी खरीदारी की राय। ओके कुछ दिनों के करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद यूपीएल अच्छा लग रहा है, मूव के लिए खरीदारी की राय आ रही है। पर आइए 2:30 बज गए हैं, बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी ग्लोबल क्यूज थोड़े बेहतर हुए हैं, हालांकि जब हमने शो की शुरुआत करी थी तब डाउ फ्यूचर्स तकरीबन 150 अंक ऊपर थे, अभी देखें तो 100 अंकों की तेजी है पर अच्छा एक्शन आ रहा है। नैसडैक फ्यूचर्स में अच्छी तेजी है सर, 1.5% से ज्यादा ऊपर नैसडैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं, तो वहां पर अच्छा उछाल आते हुए दिखा है और यूरोप की भी अच्छी शुरुआत हुई है, 0.5% से 1% की तेजी यूरोप में आपको इस समय दिखेगी। हालांकि एशिया आज काफी कमजोर था, चाइना 2% गिरा, जापान 1% नीचे था और हांगकांग भी 0.5% नीचे था, तो वीक एशिया बट स्ट्रांग यूरोप और स्ट्रांग अमेरिकन फ्यूचर्स दिख रहे हैं सर, बताइए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक काम करना चाहिए दीप, पहले बिगुल बजाना चाहिए और बिगुल आपको लग रहा होगा 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी का तो बज गया, लेकिन बिगुल आप कल के 2000 का उसके बाद में बताता हूँ जी। कल के 2000 जी सर। पहले बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है और बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी है यहां से लेकर 22,000 तक आए तो, और नहीं तो 22,140 अभी स्पॉट लेवल, मैं स्पॉट लेवल आपको बता रहा हूं, यहीं पर खरीदारी कर लीजिए, 150 पॉइंट की और जगह रखिए। अगर 22,000 तक आता है, वैसे आएगा नहीं लेकिन सेफर साइड पे मैं आपको 150 पॉइंट और नीचे की जगह दे रहा हूँ। 21,900 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 21,900 का स्टॉप लॉस, खरीदारी की रेंज 22,000-22,150 है। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे दीप वो है 22,350, 22,450, 22,550, ये तीन टारगेट है, 22,300, 22,450, 22,550 मैं निफ्टी में भी दे सकता लेकिन चूंकि निफ्टी में सब लोग दे रहे हैं तो बैंक निफ्टी लोग मेरे अधिकार क्षेत्र को समझ के घुसते नहीं, हालांकि मैंने सबको खुली छूट दे रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि खाली निफ्टी बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी नहीं बढ़ेगा। बैंक निफ्टी भी अपना करेक्शन लगभग पूरा कर चुका है, देखिए 25,232 का हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने, 25,232 का है 28 अगस्त को और आज का लो है आपका 22,080, तो यानी कि 3,000 पॉइंट की करेक्शन बैंक निफ्टी में हो गई जो कि हेल्दी सफिशिएंट है, तो मुझे नहीं लगता है यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जाने को तैयार है, तो इन लेवल पर सपोर्ट लेगा, 22,000 के नीचे जाएगा तो ही फ्रेश मंदी होगी, अदरवाइज अब और मंदी नहीं होगी। 3,000 पॉइंट गिरने के बाद एक 500-700 पॉइंट का अगर पुल बैक वापस आ जाए कोई बड़ी बात नहीं और साफ दिख भी रहा है, तो मेरी राय यह कि अगर आप अभी खरीद रहे हैं 22,000 तक खरीदना है, 21,900 का स्टॉप लॉस लगाना है, नीचे आए तो डरिए मत, 21,900 का स्टॉप लॉस लेकिन जरूर मेंटेन करना है,
22,300, 22,450, 22,550 ये मिनिमम तीन टारगेट है। उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स देखकर डिसाइड करेंगे कि क्या 22,650, 22,850 तक जा सकता है। 22,850 तक का एक बार करेक्शन में पुलबैक वहां तक बनता है। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि 22,200 का कॉल ऑप्शन आप खरीद लीजिए। 185 रुपये के आसपास 22,200 का कॉल ऑप्शन चल रहा है जो मैंने लास्ट देखा था। हो सकता है 5-10 रुपये ऊपर नीचे हुआ, वो अलग बात है। 22,200 का कॉल ऑप्शन 185 रुपये में ये नोट कर लीजिए। ये जो ओवरनाइट पोजिशन रखना चाहते हैं उनके लिए यही काम का है, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन में आपको फ्यूचर्स नहीं रखने हैं, बहुत साफ कह रहा हूँ। 22,200 का कॉल ऑप्शन 150 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट लिखिए 275, 350, 425, तीन टारगेट है। 275, 350, 425, 185, 190 में लीजिए। 140 पॉइंट की रिस्क है और 100 से लेकर आपको ये देख लीजिए करीबन करीबन 250-300 रुपये तक का प्रॉफिट बन सकता है। तो ये एक एग्रेसिव कॉल है बैंक निफ्टी पर, कॉन्ट्रा कॉल है, बाजार के ट्रेंड के विपरीत कॉल है। रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स ट्रेड करें, और जिनको रिस्क कम रखनी है और जिनको डर लग रहा है वो आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं। एक आध कॉल में नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट अदरवाइज जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए एक कॉन्ट्रा कॉल है इस वक्त बैंक निफ्टी पर। जी दीप, तो ये तो मेरा कॉल हो गया। अब आपका सवाल जो है डेटा वाला, वो अब मैं बता दूँ। हाँ, वो भी तो बताना है, मुझे लगा कि मैंने कॉल दे दिया, मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है। आइए, अब पहले मैं आपको पहले क्या बताऊँ, निफ्टी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी तो चूंकि मैं बता ही चुका हूँ, या पहले बैंक निफ्टी खत्म कर लेते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी की बात चल रही है। 22,000 बैंक निफ्टी नहीं तोड़ेगा, ये डेटा में दिख रहा है। 10,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वीकली सीरीज में, जो कल एक्सपायर होने वाली है, उसमें से 4,00,000 शेयर आज ही जुड़े हैं। तो 22,000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 22,500 रुकावट का लेवल है, जहां 7,00,000 शेयर पुट में है ऑलरेडी, तो वहां पर आएंगे तो जो पुट राइटर्स पहले से नुकसान देख चुके हैं वो अपनी पोजिशन हल्की करने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए 22,450, 22,500 वो रेंज है जहां थोड़ा रुकेगा, और 22,500 पर सामने 11,00,000 शेयर कॉल राइटर्स बैंक निफ्टी में है भी। तो फिलहाल जो मैं रेंज देख रहा हूं वो 22,000, 22,500 की देख रहा हूं। इस रेंज को आपको ध्यान में रखना है। 22,500 के ऊपर निकलेंगे कल के लिए ट्रेड होगा दीप। अगर कल जो बैंक निफ्टी ने 22,500 पार करके ट्रेड शुरू करना शुरू किया, सेफर साइड पे 22,550, और देखिए मैं अभी से बोल रहा हूं आपको, अभी से आप नोट कर लीजिए, आज का हाई 22,554 का है, मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं। कल अगर गलती से किसी भी वजह से, गलती से नहीं मतलब, अगर किसी भी वजह से 22,550 को पार करके बैंक निफ्टी टिक गया तो बैंक निफ्टी में कल ऊपर की तरफ आग लगेगी। उसके लिए आपको ये चाहिए कि चीन के साथ सीमा तनाव पर कोई ख़राब खबर ना आए और ग्लोबल मार्केट थोड़े से स्टेबल हो जाए, बहुत भागे ना भी, थोड़े स्टेबल हो जाए, जो कि संकेत आते हुए दिख रहे हैं, यूरोप से दिख रहे हैं, दाओ फ्यूचर से दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी 22,550 के ऊपर कल 250-300 पॉइंट का मूव देने को तैयार हो जाएगा। वो 22,750 से 22,950 की रेंज में कहीं भी जाकर रुकेगा। 3,000 पॉइंट गिर के अगर 1,000 पॉइंट बढ़ जाए कोई आश्चर्य मत करिएगा, पॉसिबिलिटी है। तो बैंक निफ्टी के डेटा 22,500 के ऊपर बहुत स्ट्रांग हो गए। जब तक 22,500 नहीं टूटता, 22,000, 22,500 ये 500 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर है डेटा के लिहाज से। अब ये बैंक निफ्टी हटाइए, आइए निफ्टी। 11,200 मजबूत सपोर्ट है, 32,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, और 14,00,000 शेयर उसमें आज ही जुड़े हैं, तो इतना जल्दी आपसे टूटने वाला है नहीं। 11,300 हल्की रुकावट है, 29,00,000 शेयर वहां पर हैं और वहां पर 17,00,000 शेयर आज ही जुड़े हैं। तो 11,200, 11,300 आप 100 पॉइंट की रेंज मानकर चलिए। इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेंगे 50-50 पॉइंट का एडिशनल मूव और आपको निफ्टी में आता हुआ दिखेगा। अनडाउटली कोई डाउट ही नहीं कि निफ्टी ज़्यादा मजबूत है बैंक निफ्टी के मुकाबले में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों इंडेक्स बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चलेंगे। और इसलिए निफ्टी पर चूंकि आशु सर की कॉल है, जय की कॉल है, तो मैंने बैंक निफ्टी चुना है जहां पर मुझे यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नज़र आता है। तो दीप ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, दोनों ही मेरी तरफ से खरीदारी की राय है, और उसमें ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए बैंक निफ्टी, निफ्टी भी है, जिसको निफ्टी समझ में आए निफ्टी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब बढ़ते हैं आगे, कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। देखिए अनिल जी, बाय कॉल है हमारी सिप्ला पर। सिप्ला ने जब पहली तिमाही के नतीजे दिए, नतीजे बेहतरीन आए, स्टॉक की गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली करेक्टिव मोड में चला गया है, और आज इसका हमने स्टॉक को पकड़ा है इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर, डबल बॉटम लगा है नीचे में, पॉजिटिव क्रॉसओवर है और अब ये दोबारा से ऊपर चलने को तैयार है। नए लाइफ टाइम हाई की जर्नी सिप्ला की शुरू हुई है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, एक रबर बैंड रिवर्सल यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है सिप्ला के इस चार्ट पर, और जैसे राकेश जी ने कहा कि डबल बॉटम भी बने हैं, तो यहां पर मौजूदा स्तरों पर बाय करें, 721 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें, 721 पर जो पहला टारगेट होगा वो 758 रुपए का, 758 का, और दूसरा टारगेट 770 रुपए का होगा, तो 770 के लक्ष्य के लिए सिप्ला में खरीदारी किराए कौन सा? ये भाई साहब पहली बार रबर बैंड, ये इसमें भी काम आता है चार्ट्स में भी रबर बैंड? अनिल जी देखिए, अगर आप रबर बैंड को खींचते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं तो कितनी गति से अनिल जी वो वापस रिबाउंड करता है, तो बिल्कुल उसी तर्ज पर अनिल जी कई बार स्टॉक्स को अगर आप बहुत ज्यादा नीचे की तरफ खींच दें तो बहुत तेजी से वो रिबाउंड देते हैं, तो उसको रबर बैंड पैटर्न कहते हैं, और वो चार्ट पर सिप्ला के बनता हुआ नजर आ रहा है अनिल। नहीं नहीं नहीं, मेरे तो समझ भी नहीं आया, रबर बैंड को खींचा हमने बराबर है, और खींचा जैसे जोर से खींच के छोड़ा, तो हम मेरे तो आज तक हाथ पे लगती थी, कई बार हाथ पे लगती थी, जोर से लगती थी मतलब जी। हाँ तो अभी इसमें लगेगी तो नहीं ना मतलब जी अनिल जी जी अनिल जी देखिए, बचपन में आपने गुलेल से खेला है, तो जो गुलेल का सिद्धांत है ना, गुलेल में क्या करते हैं कि भाई तेज से उसको पीछे की तरफ खींचते हैं और फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी बनती है अनिल जी, जिसके चलते वो जो पत्थर होता है या जो भी एक छोटा सा वो रहता है वो बहुत गति से आगे बढ़ता है, तो बिल्कुल अनिल जी वैसे गुलेल की तरह ही जाने वाला है, तो इसका नाम रबर बैंड पैटर्न है अनिल जी। अब ये आप है ना इसको बहुत ज्यादा है ना वो इंटेलेक्चुअल कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए अब मैं इस डिस्कशन को यहीं छोड़ रहा हूँ, मैं पूरी तरह से सहमत तो नहीं हो पाया, लेकिन अब जब आप पूरे इतने इंटेलेक्चुअल मामले में घुस रहे हैं तो फिर मैं है ना मुकाबला कर नहीं पाऊंगा कुणाल जी, मेरी मदद के लिए राकेश जी आगे आते दिख रहे जी। अरे राकेश जी आशीष सर दोनों जी, राकेश जी देखिए अनिल जी, कुणाल जी से मेरा अनुरोध है ये काइनेटिक एनर्जी वगैरह का जिक्र ना करें अनिल जी, इनका काइनेटिक एनर्जी सुन के मैं अनिल जी डर गया हूँ अनिल जी, पता नहीं रात को नींद आए शाम को कर पाए ना कर पाए, अनिल जी पढ़ाई याद करा रहे हैं ये फिजिक्स की, ये बहुत गलत बात है, तो कुणाल जी आपसे अनुरोध है ये काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई की बातें ऑन एयर ना करें बिल्कुल भी। 100% एकदम सही, बिल्कुल सही आशु सर। अनिल जी मैं मेरा एक स्प्रेड भी है, लेकिन मैं कुणाल जी के इस पे, आपने अगर नोटिस किया हो कोई भी ये डिफिकल्ट और डिफरेंट डिफरेंट और मुश्किल मुश्किल पैटर्न बताते हैं, और जब वो थोड़ा सा लोग बात करने लग जाते हैं और यूज़ करते हैं तो फिर ये कोई नया निकाल के ले आते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो, तो अभी अगर आप रबर बैंड की दो चार बार बात करेंगे तो फिर ये कोई और नया निकाल लेंगे। अनिल जी एक बहुत अच्छा स्प्रेड आया है और आपका इसमें सिर्फ आपका सहयोग चाहूँगा, और जो मैं लिमिटेड इंटरवेंशन कुमार जी की लेता हूँ वो फुल इंटरवेंशन आपकी है अनिल जी। अनिल जी ये अभी जो कॉल दिया उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये डिफरेंट स्प्रेड है अनिल जी। एक तो एक और अपडेट है 11400 11200 का जो वीकली स्प्रेड है, मेरे को जिस मेरा कहना है कि जिसने बनाया वो बुक कर लीजिए, उसमें 60-70 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, 80 रुपये का भी आ रहा है, और एक अनिल जी मंथली स्प्रेड बनाया था 11500 11100, उसमें भी प्रॉफिट आ रहा है 60-70 रुपये का, 60-70 पॉइंट का निफ्टी का, वो भी बुक कर लेना चाहिए। अनिल जी ये मंथ छोटा है तो इसलिए आपने देखा होगा कि मंथली स्प्रेड्स में थोड़ा ध्यान जा रहा है, तो अनिल जी इस मंथ के एंड का जो कि 24 सितंबर है, जिसमें कल के बाद दो हफ्ते हैं, एक तो वीकली हो गया दो हफ्ते हैं, इसमें अनिल जी जो 11300 अभी निफ्टी चल रहा है अनिल जी स्पॉट में 11260-70, 11300 का एक कॉल लेना है जिसका प्राइस है अनिल जी 180-82-83, और 11500 जो अभी लिया था अगर किसी ने सिंपल लेना है तो वो 11500 के दो बेचने हैं जिसका भाव है इस वक्त 95। सो अनिल जी ये स्प्रेड 1:2 बनेगा, 11300 11500 दो बेचने हैं वीकेंड मंथ एंड के, ये स्प्रेड अनिल जी आपको 10 रुपये क्रेडिट पहले ही दे देगा, 10 रुपये क्रेडिट आपके स्प्रेड बनेगा, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, लग रहा है तो सिर्फ मार्जिन, और अनिल जी ये है सेफ 11700 तक, और अनिल जी ये किसी को बनाने में सुकून बहुत देगा, अगर 11500 तक की तेजी आती है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, बिल्कुल 100% करेगा, 11500 के पास पीक प्रॉफिट होगा, और अनिल जी अगर इंडो चाइना की टेंशन के चलते या किसी और वजह से किसी और रीजन से अगर मार्केट नीचे आता है तो अनिल जी 10 रुपये का क्रेडिट उसको मिलेगा ही मिलेगा, नीचे में कोई टेंशन नहीं है, आराम से सो सकता है, कोई उसको डाउ नैसडैक के 5-500 की गिरावट से उथल पुथल विचलित होने की जरूरत नहीं है। तो अनिल जी 11301 11502 मंथ एंड 11700 तक सेफ है, 10 रुपये क्रेडिट आपके अकाउंट में सीधे आ जाएंगे।
आइडिया, परफेक्ट है। तो 11,300 का एक कॉल ऑप्शन खरीदें, 11,500 के दो कॉल ऑप्शन बेचें, दोनों महीने के एंड वाले 10 रुपये अभी से आपकी जेब में कुछ होना हो 10 रुपये तो मिल ही जाएंगे। ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर कट राय है आशीष सर की। आइए एक विशेष अपीरेंस, स्पेशल अपीरेंस, गेस्ट अपीरेंस जो भी आप कह दें, उसके लिए विश्वेश जी तैयार हो रहे हैं फोन लाइन पर। तो विश्वेश जी का भी हम करेंगे हम स्वागत लेंगे, उससे पहले जल्दी से एक बिगुल नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। स्वागत है नितिन जी आपका, बताएं सर क्या करेंगे? अरे जी, बैंक निफ्टी में हम दोबारा से बियर पुट स्प्रेड क्रिएट करेंगे कल की एक्सपायरी के लिए। निफ्टी में रिकवरी है बिकॉज ऑफ रिलायंस, बट बैंक निफ्टी अभी भी काफी वीक है, बैंकिंग के स्टॉक्स वीक हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 23,300 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे जो मुझे 200 रुपये में मिल रही है, और प्रीमियम को हेज करने के लिए मैं 21,900 की पुट ऑप्शन बेचूंगा जो 54 रुपये में बिक रही है। तो कुल मिला के मेरी कॉस्टिंग 145-146 की कॉस्टिंग आ रही है। मार्केट थोड़ी बाउंस कर रही है, हो सकता है 11,300-320 तक निफ्टी चली जाए, बट मैं कल के लिए इसको लेके चल रहा हूँ। 150 की कॉस्टिंग है, 100 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा जो स्प्रेड वैल्यू है, और मैंने 400 रुपये का गैप लिया है, इसलिए इसके टारगेट करीब 300 हो सकते हैं, यानी जो 150 का गैप है वो 300 हो सकता है। मुझे लग रहा है कल एक्सपायरी पॉसिबल है कि 22,000 की तरफ हो सकती है एक्सपायरी, यहाँ से 300-350 पॉइंट नीचे एक्सपायरी हो सकती है। तो हम 22,900 की पुट बेचने की स्ट्रेटजी करेंगे। ओके, तो 22,200 का एक पुट खरीदेंगे, राइट सर? नहीं जी, 22,300 का एक लेंगे, 22,300 का जो स्लाइटली इन द मनी हो गई, और 21,900 बेचेंगे, 400 पॉइंट के गैप में कर रहे हैं पोजिशन। ओके, तो इसको जरा ठीक कर ले, क्योंकि 22,300 का एक पुट खरीदना है और 21,900 का एक पुट बेचना है, तो ये स्प्रेड हो गया आपका, बेयर स्प्रेड हो गया, मंदी की तरफ वाली पोजीशन है। अब आपका, आपने तो कई लोग ये कहेंगे कि मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी पे बाय कॉल दिया नितिन जी ने, यही खूबी और खासियत है मेरे चैनल पर, हमारे चैनल पर, हमारे एक्सपर्ट्स का, किसी का भी मेरे साथ सहमत होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सब अपनी अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। और मैं कभी अपने एक्सपर्ट्स को ये नहीं कहता कि आप ये कॉल दीजिए या ये व्यू दीजिए, सब स्वतंत्र है, आपको जिनको जिसका व्यू फॉलो करना है वो करें, कोई दिक्कत नहीं। नितिन जी का व्यू पसंद आता है आप नितिन जी का फॉलो कर सकते हैं, मेरा आता है किसी एक्स वाई जेड का आता है, तो ये यही मार्केट है। जब दो अलग अलग ओपिनियन किसी भी एक पॉइंट पर होगी, निफ्टी पर भी तो अभी किसी दो ओपिनियन है ना, एक आदमी खरीद रहा है एक आदमी बेच रहा है, तभी तो सौदा हो रहा है, नहीं तो सौदा कैसे होगा? सब खरीदने का सोचेंगे तो ऊपर का सर्किट, सब बेचने का सोचेंगे तो नीचे का सर्किट। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको जिसकी ओपिनियन फॉलो करनी है उसकी करें, और अगर आपको लगता है दो ओपिनियन से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो कुछ ना करें, शो देखें आराम से, टेंशन क्या है। लेकिन हर आदमी को अपनी अपनी ओपिनियन रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो हम हमारे चैनल पे जरूर जरूर हमेशा रहते हैं। नितिन जी, ये तो बात हुई बैंक निफ्टी की, और कोई स्ट्रेटजी निफ्टी या स्टॉक पर सर? नहीं अल जी, एक बैंक निफ्टी की लेके चल रहे हैं, निफ्टी में नहीं कर रहे हैं, बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर वीक लग रही है। निफ्टी में रिलायंस काफी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है निफ्टी में प्रीमियम डीके हमें मिले। ओके, तो ये है आपके लिए राय बैंक निफ्टी पर नितिन जी की तरफ से। नितिन जी बहुत बहुत शुक्रिया बेहतरीन निशाना लगाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब विशेष अपीरेंस के लिए तैयार हो रहे हैं विश्वेश जी, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। विश्वेश जी स्वागत है आपका, बताएं सर क्या करना चाहते हैं लाइफ में? सर लाइफ में तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बट आशीष जी करने नहीं देते हैं, मार्केट को गिरा गिरा के। ना ना, आशीष जी तो बाय कॉल दे रहे, भर भर के बाय कॉल दे रहे, क्या बात कर रहे हो? देखो तो आशीष जी को आप बदनाम ना करो, देखो आशीष जी तेजी के वक्त बदनाम है मंदी का कॉल देने में, मंदी के वक्त उनकी बड़ी प्रसिद्धि होती है तेजी का कॉल देने में। तो आज देखिए 2 कॉल 3 कॉल तो बाय कॉल दे चुके हैं वो, आशीष जी पूरी तरह से आपके साथ हैं, अब आप लगाइए जोर। देखिए मेरी ओर से पहली सलाह है वो है निफ्टी में खरीदने की। निफ्टी में एक फॉर्मेशन बना जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं, और इंस्पाइट ऑफ ऑल द रीजंस ऑफ मार्केट पुशिंग डाउनवर्ड निफ्टी नीचे नहीं गया, और आज के दिन में जिस हिसाब से 11,300 के कॉल में 25,00,000 शेयर ऐड हुए हैं, और जिस हिसाब से मार्केट रिफ्यूज टू गो डाउन है और रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से और तेज हो सकता है। मैंने 250 के अराउंड आइडेंटिफाई किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया, फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि 11,200 का कॉल ऑप्शन 105-100 के आसपास चल रहा है,
ये अगर नीचे आता है तो खरीदिए, इसके ऊपर 68 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लग रहा है 11400 की ओर निफ्टी जा रहे हैं, क्योंकि रिलायंस के अंदर जो फॉर्मेशन है सर, ये काफी बड़ा फॉर्मेशन है, और अगर रिलायंस निकल जाता है तो मुझे लगता है कि निफ्टी और यहाँ से चल सकता है। और बैंक निफ्टी वीक है, लेकिन मुझे लगता है आगे पीछे शायद वो निफ्टी के साथ कैचअप कर सकता है। तो ये मेरी ओर से पहला ट्रेड है 11200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय, और अगर किसी को कंजर्वेटिव प्ले करना है तो 11400 का 1:2 का स्प्रेड बना के भी चल सकते हैं। 1:2 का स्प्रेड, तो स्प्रेड में क्या करेंगे, 11400 का कॉल ऑप्शन भेज देंगे राइट? जी सर, 11400 के दो कॉल ऑप्शन भेज दीजिए, आपका जो स्प्रेड की वैल्यू है वो ज्यादा नहीं है, 50 रुपए के आसपास ही पड़ेगी, लेकिन आपकी सेफ्टी हो जाएगी सर। ठीक है, अब ये बताओ, सेफ्टी तो आपने कर दी 68 का स्टॉप लॉस लगाकर, और 105 में खरीदना है 11200 का कॉल ऑप्शन, टारगेट भी तो बताओ सर, टारगेट तो बताया ही नहीं आपने। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से मार्केट के अंदर में मैं रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से 100 पॉइंट का, तो इस ऑप्शन 150 और 160 तक के आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये ऑप्शन के अंदर। ओके ठीक है, परफेक्ट। विश्वेश जी, आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं, आशु जी पूरा साथ देने को तैयार हैं, जय ठक्कर साहब, और मैं तो दे ही रहा हूं, तो आइए। ये अच्छा, एक यही है, इसके अलावा और भी कुछ है सर? सर दूसरा ट्रेड है वो है UBL फ्यूचर्स। UBL फ्यूचर्स सर लास्ट वीक में हमने बाय दिया था समवेयर अराउंड 1100, और उसके बाद में हमारा टारगेट अचीव हो गया था। आज UBL फ्यूचर बहुत ही ब्यूटीफुल लेवल पे आया 1060, और वहां से सपोर्ट लेके अभी रैली कर रहा है, तो फ्यूचर में चल रहा है 1086 के आसपास। मुझे लगता है कि आज के DZO के आसपास सपोर्ट, स्टॉप लॉस रखिए 1060 के आसपास, और अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो ऑल द चांसेस है कि ये 1140 की ओर जा सकता है, तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है UBL में। खरीदारी करें करंट लेवल पे, 1060 का स्टॉप लॉस रखे, 1100, 1120 और 1140 ऐसे तीन टारगेट के लिए UBL फ्यूचर को खरीदने की सलाह है। ओके, 1100, 1120, 1140 तीन टारगेट के लिए UBL में भी खरीदारी, क्या बात है, वाह, लगातार खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है UBL में, निफ्टी में। यहाँ पर आइए, भसीन साहब कार्यक्रम में शामिल होने वाले, उससे पहले एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर, और उसके बाद भसीन साहब से लेंगे उनके BTST कॉल्स। वागले साहब बताएं सर, क्या खरीदना है? अनिल जी मेरा BTST होगा, बाय करें एस्कॉर्ट्स को, 1200 के पार निकल गया है। मुझे मॉर्निंग में दीपांशु ने पूछा था, तब मेरा व्यू तो बुलिश था लेकिन ट्रेड सेटअप नहीं था। 1202-1203 के लेवल पे, करंट लेवल पे बाय करें, 1200 तक आता है ऐड करें, 1187 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा 1230 का टारगेट होगा, ये मेरा BTST होगा। कल मेरे हिसाब से कल 1 से 1.5 घंटे में 1230 तक के लेवल मिलने चाहिए। अच्छा, सुबह दीपांशु ने पूछा वो याद रह गया, मैंने अभी क्लोजिंग वाले शो में पहला सवाल एस्कॉर्ट्स पे पूछा, वो तो याद ही नहीं है आपको वागले साहब, मैंने पहला सवाल एस्कॉर्ट्स पे ही पूछा, लग रहा था एस्कॉर्ट्स भागने को तैयार है, कोई बात नहीं, क्रेडिट गोज टू दीपांशु। दीपांशु देखिए, अब जिसका याद रहेगा उसको क्रेडिट मिलेगी, आपको बधाई, वागले साहब ने आपको याद रखा, मुझे याद नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं अगली बार ज़्यादा जोर से बोलूँगा कि वागले साहब याद रखे मुझे। चलिए आइए, अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और बेहतरीन पिक्स आने की तैयारी में, स्वागत करते हैं भसीन साहब का हमारे साथ जुड़ने कार्यक्रम में। जी भसीन साहब, स्वागत है सर आपका, बताएं सर, मार्केट में रिकवरी आने के आसार तो दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, खरीदारी के बिकवाली के क्या ट्रेड्स हैं BTST के तौर पर सर? तो सर BTST एक ही है और वो है ये, जैसे आपको सुबह दिया था बायोकॉन, वो 34 रुपए हो गया, और आज ही मुझे फार्मा में बहुत पसंद है, तो कैडिला मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पे 368 से 69 रुपए है, 368-369 इसमें स्टॉप लॉस रखिए आप 363 का, इसमें 395 का टारगेट मुझे दिख रहा है। ओके, कैडिला हेल्थ केयर, ये है वो स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करें, सारे फार्मा शेयर है मजबूत, 368-369 के आसपास खरीदिए, 363-363 का आपका स्टॉप लॉस होगा और 395 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी, ये है राय कैडिला में खरीदारी करने के लिए। हाथ से थोड़ी देर में आपके साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे विकास सेठी साहब, सेठी साहब भी आपको देंगे कुछ बेहतरीन पिक्स, और उसके लिए भी आप करिए इंतजार।
और इस बीच सुमित जी हमारे साथ तैयार है फोन लाइन पर, और वक्त है एक्सपायरी का ऑप्शन का, यानी कि कल की एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करें आप बताने के लिए तैयार हैं सुमित जी। सबसे पहले सुमित जी ने शुरुआत की थी मंदी के कॉल्स की, देखते हैं क्या सुमित जी अभी भी मंदी के कॉल्स दे रहे हैं या फिर कुछ तेजी के ट्रेड्स आने शुरू हुए। बिगुल जी, सुमित जी बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। मेरे पास एक स्टॉक है और एक इंडेक्स है, तो पहले स्टॉक का बात करते हैं। स्टॉक में सेल साइड का ही व्यू है, और स्टॉक में जो सेल साइड का स्टॉक है वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर में लास्ट दो दिनों में ऊपरी लेवल से अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए इसका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। 138 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर के अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। इसके अंदर 135 वाला पुट 5.75 रुपया अभी ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर का 135 वाला पुट 5.75 रुपया अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें खरीदारी करें। टाटा मोटर में मेरे को लग रहा है यहाँ से नीचे में 130 रुपए से लेके 125 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और ऊपर में 142-143 का रेजिस्टेंस है। इसके लिए टाटा के अंदर 135 वाले पुट का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे में 4 रुपए का रहेगा, और जो फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो फॉल आने पे इस 135 वाले पुट का वैल्यू ऊपर में 8 रुपए से लेके 10 रुपए तक देखने को मिल सकता है। बाय टाटा मोटर 135 पुट एट CMP, स्टॉप लॉस 4 रुपया, टारगेट 8 रुपए से लेके 10 रुपए तक का। ओके, टाटा मोटर से 135 का पुट खरीदना है 5.75 रुपए में, 8 और 10 के टारगेट, स्टॉप लॉस 4 रुपए। दूसरी स्ट्रेटेजी सुमित जी? दीपांशु, दूसरा स्ट्रेटेजी इंडेक्स में है और बैंक निफ्टी में है। तो सबसे पहले तो दर्शकों को कि ये बोलना है कि कोई भी प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। 7-8 एनालिस्ट चैनल पे बैठे हैं, तो किसी का बाय किसी का सेल ऐसा हो सकता है। तो मेरा जो बैंक निफ्टी में स्टांस है अभी एट प्रेजेंट, वो वीकनेस का है। बैंक निफ्टी यहाँ पे वीक दिख रहा है, इसमें कुछ भी आज रिवर्सल अभी तक देखने को मिला नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी के हिसाब से बैंक निफ्टी में 22200 का पुट अभी CMP पे ट्रेड कर रहा है 160 रुपया, 150-160 के बीच में 22200 का पुट लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 50 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, और यहां से बैंक निफ्टी जैसे ही लो तोड़ता है तो 22000 से लेके 21800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऐसा होने पे ऊपर में जो भी 150-160 के पास चल रहा है इसका वैल्यू ऊपर में 250-300 तक जाने का उम्मीद है। तो बैंक निफ्टी 22200 का पुट लेना है 50 रुपए के स्टॉप लॉस से 250-300 के टारगेट के लिए। ओके, तो बैंक निफ्टी पर दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको पॉसिबल होते हुए दिख सकते हैं। थोड़ा ओपिनियन इस समय डिवाइडेड है, वहां पर नजर रखिए, और साथ ही टाटा मोटर्स यहां पर थोड़ा और बिकवाली का प्रेशर आ सकता है, तो वहां पर भी नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एनालिसिस, ये रिकमेंडेशन देने के लिए। चलिए अब एक और स्टॉक है जी, तो अनिल जी वही बात है सर, दोनों तरफ के आइडियाज आ रहे हैं और स्पेशली बैंक निफ्टी पर थोड़ा ओपिनियन डिवाइडेड है। नहीं, डिवाइडेड नहीं, नीचे की तरफ का ज्यादा है, मैं अकेला हूँ बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड पर, बाकी नितिन जी को और सुमित जी को दोनों को थोड़ा शॉर्ट साइड पर दिख रहा है। नेचुरली इसमें कोई डाउट ही नहीं है, उनकी रीडिंग एकदम उनकी जगह परफेक्ट है कि वो अगर ट्रेंड देख रहे हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड कमजोरी की तरफ ज्यादा है। मैं कॉन्ट्रा कॉल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो भी है पॉइंट सिंपल है, आपको अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रख के काम करना है, सिंपल है कि। और अगर लगे कहीं भी कंफ्यूजन तो कुछ ना करें, क्योंकि जिन लेवल पे हमने दिया है बैंक निफ्टी अभी वहीं का वहीं ट्रेड कर रहा है। बट एनीवे, टाटा मोटर्स का जो कॉल दिया है सुमित जी ने, उस पर आशु सर भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं सुमित जी के सपोर्ट में या अगेंस्ट में, वो तो आशु जी बताएंगे। आशु जी बताएं सर। अनिल जी फुल सपोर्ट है, और टाटा मोटर अनिल जी कल से ही आइडेंटिफाइड है और इतना मतलब वीकनेस दिखा रहा है। अगेन अनिल जी वही एग्जांपल दे रहा हूं, 155 के भाव पे सबके बाय टारगेट और सबकी रिपोर्ट्स आने लग जाती हैं, और अनिल जी इतने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कोई कहेगा कि अभी मतलब कितना खराब हो जाएगा। अनिल जी 80 रुपए की चीज अगर 150 हुई है तो 150 से 125 होने में कौन सी बड़ी बात है। अनिल जी लॉट साइज बड़ा है, लेकिन सुमित की आइडेंटिफिकेशन पूरे दिन में अनिल जी ये स्टॉक ने भी 1 रुपए का रिवर्सल नहीं दिया कहीं पे। अनिल जी कल और आज में 1 रुपए का क्लियर कट वीक है, और ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रैपिंग हो चुकी है, बिकॉज वो 200 के टारगेट आने लग गए थे। तो बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन है। और अनिल जी एक सुबह भी आप सुमित को एक बात कह रहे थे कि कितना नीचे बेचेंगे, तो अनिल जी बिल्कुल सुमित राइट ट्रैक पे है। जो चीज बेचनी है अनिल जी, उसका भाव नहीं देखना होता, किसी भी भाव पे बेचनी होती है। और अनिल जी बैंक निफ्टी में मैं आपके साथ नहीं हूँ, निफ्टी में हूँ, बैंक निफ्टी में सारे स्टॉक्स वीक लग रहे हैं, और अभी भी बोल रहा हूँ इन भावों पे भी एक्सिस और ICICI वगैरह 1-2% का भी रिवर्सल आ जाए तो वापस शॉर्ट कैंडिडेट्स हैं। सिर्फ यह है कि निफ्टी के साथ थोड़ा सा परफॉर्म कर सकते हैं, ऊपर आएंगे, लेकिन ये अभी भी शॉर्ट कैंडिडेट्स हैं। परफेक्ट, ठीक बात है, बिल्कुल फेयर इनफ।
ओके, तो ये है आशु जी की राय इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके लिए आती है। आइए अब फोकस करते हैं हम कुछ भारत डायनेमिक्स, इसका ऑफर फॉर सेल आज बंद होगा, 20 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। डिस्काउंट डिटेल्स सब्सक्रिप्शन सारी जानकारी देने के लिए तैयार है संदीप ग्रोवर। संदीप बताइए। हाँ सर, देखिए निवेशकों के मन में सवाल अब यही है कि क्या भारत डायनेमिक्स का जो ओएफएस खुला है उसमें क्या एंट्री करनी चाहिए, उसमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट सुबह हम अविनाश जी से भी इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। अब हो क्या रहा है कि अभी थोड़े दिन पहले ही एचएएल यानी कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ओएफएस खुला था उसके बाद एचएएल है, उसके बाद थोड़ा सा संदेह लोगों के मन में जरूर बनता हुआ दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कोई ओएफएस आता है तो उसके बाद है शेयर की रिकवरी उस भाव पे आता है, उसके बाद उस शेयर में रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिलती है। अगर आप इसी साल की बात करें 2020 में ही देख लें, फरवरी से लेकर अब तक आनंद जी कुछ 8 ऐसी कंपनियां जिनके ओएफएस आए हैं, उन 8 में से 6 कंपनियों की अगर आप बात करेंगे तो 6 कंपनियां ऐसी है जिनके भाव जो ओएफएस का प्राइस था उसके भाव से आपको ऊपर नजर आएंगे, लेकिन 2 कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि उस ओएफएस के प्राइस के भी आपको नीचे नजर आएंगी। उसमें एक एचएएल जैसे मैंने अभी भी मेंशन किया और दूसरा नाम है राइट जो कि रेलवे वाली कंपनी, ये भी सरकारी कंपनी है। दोनों कंपनियां सरकारी ही कंपनियां हैं जिनके आप देखेंगे ओएफएस प्राइस के भी आपको जो दाम है नीचे नजर आएंगे। दूसरी बात ये भी है कि एचएएल और भारत डायनेमिक्स जिसका ओएफएस खुला है, ये दोनों शेयर ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में जमकर रैली दिखाई है। मैं आपके सामने डेटा भी रख देता हूँ किस तरह का परफॉर्मेंस उन स्टॉक्स ने दर्ज किया है। अगर आप एचएएल की ही बात करें 3 महीने में 29%, 4 महीने में आप देखिए 70% के रिटर्न उस स्टॉक ने डिलीवर किए हैं, और ऐसे कुछ रुझान आपको भारत डायनेमिक्स में नजर आएगा जहां पे 3 महीने में 33%, 4 महीने में करीब करीब 47-50% तक के जो पॉजिटिव रिटर्न है इस स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। तो एक कहीं ना कहीं दिक्कत लोगों के मन में ये भी है कि इतना बड़ा रनअप होने के बाद सरकार कहीं ना कहीं ओएफएस के जरिए शेयर बेचती है, जैसा हाल एचएएल का हुआ है, क्योंकि उसका मैं प्राइस आपको बताया था उन्होंने 1001 के आसपास ऑफर प्राइस था और स्टॉक आप देखेंगे अब आपको 850 के भी नीचे नजर आएगा, यानी कि जो दाम था जिसपे ऑफर था वहां से भी 15% नीचे आपको स्टॉक नजर आएगा। तो क्या ऐसा ही हाल भारत डायनेमिक्स का भी होगा, यही एक चिंता है जो कि निवेशकों को सता रही, जिस वजह से आप देखिए इस ऑफर फॉर सेल जो खुला है उसको लेकर निवेशकों के मन में काफी ज्यादा डाउट है। ओके, तो ये है भारत डायनेमिक्स के ऑफर फॉर सेल का डीलर रेस्पॉन्स या स्टॉक में कमजोरी की वजह, क्योंकि आमतौर पर ऑफर फॉर सेल के बाद भी स्टॉक्स आपके लिए परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आते, ये बड़ी दिक्कत है। चलिए आइए सेठी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और सेठी साहब से बात करें, उससे पहले जल्दी से एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। जी किरण जी बताएं। अनिल जी सेल साइड का ही कॉल है और अपोलो हॉस्पिटल जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छा है पर फिर भी अभी चार्ट पे बहुत वीकनेस देखने को मिल रहा है, पर इसलिए सेल करने की सलाह है। एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट आज इसने तोड़ा है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो मेरा मानना है कि टारगेट्स काफी बड़े हैं। मेरा मानना है कि कल तक 1575 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए और इस ट्रेड के लिए मेरा स्टॉप लॉस 1624 का रहेगा। कितना स्टॉप लॉस कितना? 1624 फ्यूचर्स लेवल्स और टारगेट्स के लिए 1575। ओके, 1575 का टारगेट, 1624 का स्टॉप लॉस, शॉर्ट करने की राय अपोलो हॉस्पिटल। 3 बज चुके हैं, वक्त है सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का, बिगुल के साथ करते हैं सेठी साहब का स्वागत। सदाबहार सेठी साहब। स्वागत है सेठी साहब आपका। सर शुरुआत कीजिए, बताएं आज की आपकी शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज की मेरी एक्चुअली शॉर्ट टर्म पिक्स में एक कैश मार्केट का स्टॉक है और बाकी मैंने पिछले कुछ दिनों में आप रेगुलरली कहते हैं एफएनओ से स्टॉक नहीं देते हैं, तो एफएनओ स्पेस से 2 बाई की कॉल है। बाजार में निचले लेवल से एक पूरा रिवर्सल नजर आ रहा है, मुझे लगता है ये जो पिछले 3-4 दिनों की गिरावट के बाद एक बाजार में अच्छी खासी रिकवरी होनी चाहिए। तो जो कैश मार्केट का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है इंडियन ह्यूम पाइप, एक जबरदस्त कंपनी है जो कि वाटर सप्लाई और वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट का काम करती है। सरकार का जिस तरह से फोकस है इरिगेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छा कर सकता है। हाल ही में कल परसों इसमें एक बड़े ऑर्डर विन की भी खबरें आई है, ओडिशा से बड़े ऑर्डर्स मिले और
एक चीज और भी है कि इस तरह की कंपनियां वॉटेक वबाग जिसमें हाल ही में बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश जुलियनवाला जी ने हिस्सेदारी खरीदी है, मुझे लगता है ऑल इन ऑल पूरा सेक्टर फोकस में है, सरकार का अच्छा खासा फोकस है और बाकी फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है जिसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 25% के है, रीजनेबल डेट लेवल्स है, प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी अराउंड 70% और FISDIS करीबन 9% की हिस्सेदारी रखते हैं जो कि उन्होंने इस जून क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है। तो अच्छा लगता है ये स्टॉक और मुझे लगता है 190 के लेवल्स इसमें बहुत ही जल्दी देखे जा सकते हैं, 175 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके 185-182 रुपए के आसपास इंडियन ह्यूम पाइप फंडामेंटली मजबूत शेयर, यहां पर खरीदारी करने की राय शॉर्ट टर्म के लिए सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब टारगेट कितना बता रहे हैं आप इसके लिए? 200 नहीं बहुत ही शॉर्ट टर्म में 190 का टारगेट था, बाकी 200 भी ग्रेजुअली। ओके 190 ओके परफेक्ट 190 का शॉर्ट टर्म का टारगेट आपके लिए इंडियन ह्यूम पाइप के लिए। अच्छा आपने कहा चूंकि मेरी रिक्वेस्ट पे आपने कुछ पिक्स आपने वायदा कारोबार की तरफ से भी चुनी है, तो बताएं सर एफएनओ में कौन सा स्टॉक है, बाय सेल या दोनों? नहीं अनिल जी दोनों ही बाय की कॉल है बिकॉज मुझे लगता है बाजार में नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई है वो कल कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो वहां से मैंने दो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक, एक तो पहला स्टॉक है देखिए मेटल स्पेस में नीचे के लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी हुई आज, आप कोई भी मेटल स्टॉक को देखिए टाटा स्टील हिंडाल्को, वैसे ही उस कैटेगरी का स्टॉक है वेदांता जिसमें भी एक बहुत ही आज के खराब बाजार में भी एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है और मेटल स्पेस में एक अच्छी खासी रिकवरी नजर आ रही है, और दूसरा इस स्टॉक में डाउनसाइड रिस्क बहुत ही लिमिटेड है बिकॉज हम सबको मालूम है कि एक डीलिस्टिंग का प्रपोजल ऑलरेडी कंपनी ले चुकी है जिसमें भी कभी भी खबरें आ सकती है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, 128 के लेवल्स पे ट्रेड करता है, मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म हो सकता है फ्राइडे तक 135 तक का लेवल से 135 तक के लेवल से स्टॉक अचीव कर सकता है, स्टॉप लॉस लगाना है 125 का। और जो दूसरा स्टॉक है एफ एंड ऑफ स्पेस से जो वापस खरीदारी की सलाह है वो है हीरो मोटर्स। एक मिनट सर, 125 का स्टॉप लॉस और 135 का टारगेट है राइट? करेक्ट अनिल जी बिल्कुल सही। ओके तो वेदांता में खरीदारी करने की राय है सेठी साहब की। हाँ अब बताएं सर दूसरा स्टॉक कौन सा है और वो भी खरीदारी वाला है ना? हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरा एफएनओ का स्टॉक है कंपनी का नाम है हीरो मोटोकॉप, स्टॉक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, हाल ही में जो अगस्त के सेल्स के नंबर्स आए थे बहुत ही जबरदस्त थे, विद इन द टू व्हीलर स्पेस एक बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस था, 8-9% की सेल्स में बढ़ोतरी दर्ज की, स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल्स पे वैल्यूएशन के लिहाज से भी ट्रेड करता है, और जिस तरह से खबरें चल रही है कि आने वाली जीएसटी की मीटिंग में हो सकता है ऑटो के ऊपर जो जीएसटी की दरें है उसको सरकार कम कर सकती है, उसका भी एक फायदा पूरे ऑटो स्पेस को होगा, तो यहाँ से मैंने हीरो मोटोकॉर्प जो कि ऑलरेडी काफी पिट चुका है इसको रिकमेंड करना चाहूंगा, मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में 2950-2975 तक के लेवल से बिल्कुल इसमें आ सकते हैं, स्टॉप लॉस रखना है 2875 का। ओके 2875 के स्टॉप लॉस के साथ हीरो मोटोकॉर्प में खरें खरीदारी। हीरो मोटोकॉर्प पर बड़ी तगड़ी ग्रिप है सेठी साहब की, और मुझे याद है पिछली बार भी मंथली सेल्स नंबर के जस्ट पहले दो दिन पहले सेठी साहब ने कहा हीरो मोटोकॉर्प खरीदिए और वहां से लगभग 150-200 रुपए की चाल इस स्टॉक ने दिखाई, तो एक बढ़िया मजबूत शेयर वहां से अच्छा मजबूत हो सकता है, यहां पर 2900-2910 रुपए की रेंज में खरीदिए, 2875 का स्टॉप लॉस है हीरो मोटोकॉर्प पर और ऊपर का टारगेट आपका 2950-2975 का बनेगा। वेदांता खरीदिए 125 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 135 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करने की राय। तो दो बेहतरीन स्टॉक्स आए हैं एफएनओ के बड़े लंबे समय बाद सेठी साहब ने दिए, और इंडियन ह्यूम पाइप तो है ही खैर अपनी जगह, वहां पर भी खरीदारी करने की राय है आपके लिए। बस थोड़ी देर में जय हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनसे लेंगे हम कैश का ऑप्शन भी और वो भी हमें बताएंगे, लेकिन उससे पहले तैयार हैं कुणाल जी और राकेश जी अपने पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। तो पिक ऑफ द डे कुणाल जी राकेश जी का, कल का काम आज ही। बताएं सर। अनिल जी बर्जर पेंट पे खरीदारी की राय है, जहां मार्केट स्ट्रगल कर रहा है बर्जर पेंट पिछले 3 दिनों के हाई के ऊपर निकल रहा है और इसका हो सकता है लेना देना क्रूड से हो, जिस तरीके से क्रूड में गिरावट आई है पेंट कंपनीज बेनिफिशियरी हैं। बर्जर पेंट में क्लियर ब्रेकआउट है, एशियन पेंट्स ऑलरेडी रैली दिखा चुका है और बर्जर पेंट का नंबर है काफी बड़ा अपमूव दिखा सकता है, एक तो 3 दिन की रेंज के ऊपर निकला है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल
अनिल जी देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और इसका ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। 590 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इन स्तरों पर बर्जर पेंट्स में हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 552 रुपए पर 552 पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 585 रुपए का, दूसरा टारगेट 595 रुपए का। बर्जर पेंट्स में हमारी खरीदारी की राय, नजर रखिए बर्जर पेंट्स पर। डेज हाई पर आपको स्टॉक भी ट्रेड करते दिख रहा है, तो वहां पर भी जबरदस्त एक्शन इस समय है। आइए कुछ और सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। शुगर स्पेस पर वापस फोकस आते हुए दिख रहा है, और कुछ खबरें भी आई हैं रिसेंटली जहां से इसको सहारा मिल सकता है। क्या है वो खबरें और क्या है एक्शन, जानते हैं आशीष के साथ। गुड आफ्टरनून आशीष, बताइए। बिल्कुल गुड आफ्टरनून दीपांशु। शुगर एक्सपोर्ट्स में अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया एक ट्रेंड देखने को मिला है। पिछले साल के मुकाबले जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 50% बढ़े हैं, और इन्होंने 2007 और 8 का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। 2007-08 में करीब 49 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था, और इस शुगर सीजन में अगर आप देखें तो 57 लाख टन का जो एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है। और फूड मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आते हुए दिखा है कि अगले साल भी ये ट्रेंड जो है बरकरार देखने को मिलेगा, क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो जो अनुमानित उत्पादन है वो करीब 3.25 करोड़ टन रहेगा, जिसके चलते जो सरप्लस होगा वो करीब 60 से 65 लाख टन होगा। तो यानी अगले साल भी अगर आप देखें तो काफ़ी एक हेडरूम नज़र आ रहा है कि एक्सपोर्ट्स होगा। और दरअसल अगर आप देखें तो जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी जो मांग है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। खासतौर पर अगर आप देखें तो मलेशिया है, पूर्वी अफ्रीका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और खाड़ी देशों से जो अब कई चीज़ें वहाँ पर ओपन अप हो रही हैं, उसके चलते जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए इसका फ़ायदा जो है आपको पूरे शुगर स्पेस में देखने को मिलेगा। एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, बलरामपुर चीनी, EID पैरी, धामपुर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, डालमिया भारत, द्वारिकेश और अवध शुगर जैसे स्टॉक्स पर देखने को आगे भी मिल सकता है। शेयरों के लिए और आपको मालूम है शुगर शेयरों पर लगातार सबसे पहले और बेहतरीन कवरेज और रिसर्च आपको मिलती है और इन्फॉर्मेशन भी। चेतन ने पिछले हफ्ते ही आपको दिया कि शुगर शेयरों के लिए एक साथ 6 बेहतरीन खबरें आती हुई दिख रही है, और उसके बाद से शुगर शेयर आप देख रहे हैं कि तेजी के ट्रेंड में आते हुए दिख रहे हैं। और अब पूरे सेक्टर पर जो रिसर्च दी है आशीष ने, और आशीष बस इस रिसर्च के बाद जल्दी से तैयार हो जाइए, बैंक से बेनिफिट के लिए भी मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले फाइनली बैंक निफ्टी चलने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। 22,200 के आसपास अटका हुआ था काफ़ी देर से, 22,175-22,200 की रेंज में, वहां से 100 पॉइंट का जंप बैंक निफ्टी ने पिछले 2 मिनटों में लगाया है। तो बैंक निफ्टी अब रफ्तार पकड़ने के मूड में, और निफ्टी दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है। ये है कमाल आपके लिए सही एडवाइस का, अगर चिपके रहेंगे तो फायदा होगा ही होगा। और आप देखिए कल 2:30 बजे आपको बैंक निफ्टी शॉर्ट करने की राय मिली थी, वहां से बैंक निफ्टी क्या निकला है, करीबन 700-800 पॉइंट, और आज आपको एकदम परफेक्ट लेवल पर एंट्री करने की राय मिली, वहां से आप देख लीजिए। कल जय ने आपको सुबह शॉर्ट करने की राय दी थी, लेने की राय दी थी निफ्टी पर, और निफ्टी पर उसके टारगेट आए। कल जय ने दोपहर में निफ्टी के पुट लेने की राय दी थी शॉर्ट करने की, वो भी टारगेट आए, और आज सुबह भी जय ने फिर से खरीदारी की राय दी। तो आइए अब वक्त है जय से कैश का ऑप्शन लेने का। जय आपका कैश का ऑप्शन, और जय मुझे याद है जब हमने कैश का ऑप्शन शुरू किया तो इसलिए किया था कि मार्जिन्स बढ़ने वाले थे कैश मार्केट में, हमें यह लग रहा था कि लोगों को बड़ा मुश्किल होगा कि अब वो कम मार्जिन के साथ ट्रेड कैसे करें, तो उनको एक सस्ता ऑप्शन दिया जाए, और ऑप्शन भी ऐसा दिया जाए जिसमें उन्हें बहुत दिमाग न लगाना पड़े, आम आदमी समझ कर उसे ट्रेड कर सके और रिस्क उसे पता हो कि लिमिटेड हो। और मुझे याद है जय आपने शुरुआत की थी आपकी बर्थडे के तुरंत बाद, और 2 या 3 ऑप्शन आपके कॉल्स गलत हुए थे, तो मुझे कई लोगों ने बोला, मैसेज किया, ट्वीट किया कि आपने सही तो किया। मैंने कहा देखिए रुकिए जरा आप देखते जाइए, मैं ऐसे है ना हर किसी घोड़े पे दाव नहीं लगाता, मेरे पैनल में एक से एक महारथी हैं, और अब आप देखिए जय की जो परफॉर्मेंस है हर रोज की, सुबह की, शाम की, आप देख लीजिए धनाधन धनाधन आपके टारगेट्स आ रहे हैं। तो ठीक है वो कभी कभी होता है कि फॉर्म आपकी थोड़ी आगे पीछे होती है, लेकिन जो आपकी क्लास है वो आपके साथ हमेशा परमानेंट रहती है। तो जय बताइए अपनी क्लास का एक और नमूना कैश का ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, और आपने एकदम बिल्कुल सही टाइम पर स्टार्ट किया था, और इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हुआ था कि बर्थडे के टाइम पर इनफैक्ट अनिल जी जब आपने मुझे पूछा ये, और मैंने कहा बिल्कुल ऐसे टाइम पे अनिल जी बर्थडे गिफ्ट जैसा था मेरे लिए ये, तो मैं कहूंगा थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड अभी जो करना है वो तीजी की राय अनिल जी बिल्कुल
हूँ मार्केट में, इन द मनी कॉल ऑप्शन लेकर चलना है। निफ्टी का 11,250 का कॉल ऑप्शन फिर से देता हूँ मैं, 75 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अभी। हम स्टॉप लॉस इसमें एनर्जी प्लेस करेंगे 35 पे, थोड़ा नीचे की तरफ डीप स्टॉप लॉस रखेंगे, वोलेटिलिटी हो सकती है, कीपिंग दैट इन माइंड, बट 75 के आसपास 11,250 का कॉल ऑप्शन हम खरीदेंगे 35 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला जो टारगेट इसमें बनकर आ रहा है एनर्जी, दैट कम्स टू अराउंड 125 एंड दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है 135 का, 125 135, ये दो टारगेट्स के लिए निफ्टी का 11,250 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 75 पर। क्लियर फॉलिंग वेज पैटर्न है और एज एंटीसिपेशन एनर्जी इसमें एक रिवर्सल देखने मिला भी है और ट्रेड भी हो रहा है, सो नो एज एंटीसिपेशन के हिसाब से जा रहा है तो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ रहा है, सो डेफिनेटली बाय करके चाहते हैं। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए राय। और इस बीच बता दूं बैंक निफ्टी 22,300 टच कर चुका है, तो पहला टारगेट हमारा जो बैंक निफ्टी पर स्पॉट लेवल पर 22,300 का था वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि स्टॉप लॉस को ऊपर सरका लें और अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 22,150 का इंट्राडे के लिए, और बेहतर ये कि आप चाहें तो अब इन्हें ऑप्शन में कन्वर्ट कर लें, अगर ओवरनाइट पोजीशन रखनी है तो आप ऑप्शन में भी कन्वर्ट कर लें। अभी भी वैसे 15-20 मिनट बाकी है, देखते हैं अगर 22,450 का अगला टारगेट भी है 400-450 का वहाँ तक पहुँचता है, नहीं तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, और अगर आपने एक से ज़्यादा लॉट खरीदे तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करते चलें। कोई एक तरफा तेजी एक तरफा मंदी नहीं होगी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि रॉकेट हो जाएगा, रॉकेट होने का लेवल मैंने आपको दे दिया है, बैंक निफ्टी रॉकेट होगा नोट कर लीजिए फिर से 22,550 के ऊपर, 22,550 के ऊपर हाथ में नहीं आएगा ऐसे भागेगा, लेकिन वो लेवल 22,550 का अभी नहीं है, अभी धीमे धीमे चल रहा है, आराम से सबको खरीदने और बेचने का मौका मिल रहा है। तो पहला टारगेट 22,300 का हासिल हुआ, अब आप अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा से मतलब आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस ऊपर करते चले और आराम से आप अपना प्रॉफिट बुक करते चले, ये है आपके लिए राय बैंक निफ्टी पर। ओके, बैन से बेनिफिट, तैयार हो रहे हैं हमारे साथ आशीष, और आशीष से पूछ लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन में जाने या बाहर आने को तैयार हैं। बिगुल के बाद करते हैं आशीष से बात। बताएं आशीष। अनिल जी, 7 स्टॉक बैन में से और निकलने की संभावना किसी की भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जहां पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 80% के नीचे है। लोएस्ट सबसे ज्यादा कैनरा बैंक की है, करीब 82% है, लेकिन संभावना भी फिलहाल कम लग रही है कि ये बैन से बाहर आएगा। लेकिन 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो आज के सत्र में 95% को क्रॉस करती हुई नजर आई है। एस्कॉर्ट्स यहां पर करीब 99% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी निश्चित है कि स्टॉक बैन में आते हुए नजर आएगा। टाटा मोटर्स बॉर्डर लाइन पर है, 95.5% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो थोड़ा सा डाइसी है, यानी स्टॉक बैन में से तो कोई बाहर नहीं आ रहा है, 2 की फ्रेश एंट्री हो सकती है। बाहर कोई भी नहीं आ रहा है एंट्री में, एस्कॉर्ट्स और बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट? नहीं, टाटा मोटर्स और एक दूसरा कौन सा जा रहा है? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर, हो चलिए टाटा मोटर्स के तो बढ़िया है, उसको तो वो बैन में रहेगा तो कम से कम बिकेगा तो कम। चलिए तो टाटा मोटर्स बैंक में जाने को तैयार है और एस्कॉर्ट्स भी जाने को तैयार है, तो एस्कॉर्ट्स में प्रॉफिट बन रहा है तो बुक करवा लिया जाए क्या? वागले साहब आपकी कॉल है, वो बैन में जाने के बाद सुस्त हो जाता है सर, बुक करा दे क्या है लोगों ने, जिन लोगों ने आपको फॉलो करके खरीदा है। अनिल जी बिल्कुल, 1202-3 में हमने बोला था, 1215 तक जाके अभी 1210 के आसपास है, तो या तो बुक करा ले या तो 1200 का क्लोज स्टॉप लॉस रखे तो नुकसान ना हो। और आपकी बात बिल्कुल जायज़ है क्योंकि साइडवेज चलने के डर ज़्यादा है तो परेशान करेगा, बेटर जो मिलता है लेके निकल जाए। ओके, ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर, अच्छा रिवर्सल आया है स्टॉक में नेचुरल सरों पर, और ऑफकोर्स एस्कॉर्ट्स पर भी नजर रखें, डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और बढ़िया तेजी आ रही है, 7.5% ऊपर है। आइए बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं जय का जैकपॉट शेयर कौन सा है। बताएं जय। दीपांशु सेठी साहब अभी ऑटो पे बुलिश थे और मैं भी ऑटो पे बुलिश हूँ, इनफैक्ट इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करके जाना है बजाज ऑटो का, जो करीब अभी 95-50-96 के रेंज में मिल रहा है, इसको खरीदना है दीपांशु। इसमें शॉर्ट टर्म थोड़ा हम दूर का लगाएंगे 70 रुपए का, बट ऊपर में टारगेट बहुत ही अच्छे बनकर आ रहे हैं दीपांशु। इसमें पहला टारगेट इसका बनकर आ रहा है 135 का, दूसरा बनकर आ रहा है 151.80 का, 135 and 151.80, ये दो टारगेट्स के लिए बजाज ऑटो का 2900 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। इसका कारण ये है दीपांशु के, इसमें बहुत ही बढ़िया
एक डायमंड रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है अवर्ली चार्ट पर, बहुत ही रेयर पैटर्न होता है ये डायमंड पैटर्न, जब बनता है और उसके मैं कहूंगा कि यू नो सही जाने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और इनफैक्ट बेस्ट बात ये है कि इसके डेली चार्ट पर भी ये स्टॉक ने अपने 200 डेमो पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है। सो यू नो बेस्ड ऑन दीज टू रीजंस और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग के कारण बजाज ऑटो में एक अच्छा मूव हमें 3000 तक के लेवल तक देखने मिलेगा, तो इसीलिए बजाज ऑटो का इन द मनी 2900 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चाहिए। ओके 2900 का कॉल खरीदना है ना जय, करेक्ट? यस यस, इन द मनी का 2900 का कॉल ऑप्शन खरीदना है करीब 95 50 96 के आसपास। ओके ओके जय, तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय बजाज ऑटो पर। हम देख रहे हैं ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा रिवर्सल आ रहा है, निफ्टी पर भी अब अच्छा रिवर्सल आते हुए दिख रहा है। 11285 पर निफ्टी आ गया है सिर्फ 30 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी पर भी बढ़िया मूव आई है। अनिल जी की खरीदारी की कॉल का पहला टारगेट आपको हिट होते हुए दिखा है, तो अच्छा रिवर्सल है मार्केट में। कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है, तो जानते हैं फिर बिगुल बजा के अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है आज मार्केट क्लोजिंग से पहले। अनिल जी, मार्केट्स में तो अच्छा रिवर्सल आया है सर, ग्लोबल क्यूज भी थोड़े बेहतर ही दिख रहे हैं इस समय। डाउ वापस 150 अंक ऊपर है, 160 अंक की तेजी दिखा रहा है। नैसडैक फ्यूचर्स अब 2% की तेजी दिखा रहे हैं, तो डेज हाई पर नैसडैक फ्यूचर्स भी ट्रेड कर रहे हैं, और यूरोप के बाजारों में भी अच्छी रफ्तार है, 1% की बढ़त है सर। तो पॉजिटिव ही ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, थोड़ा बाउंस बैक दिख रहा है कल की भारी गिरावट के बाद, बताइए क्या करना चाहिए सर? देखिए दीप, करना और सोचना ये चाहिए कि अगर इंडेक्स ऊपर दिख रहे हैं, नेस्डेक 2% ऊपर दिख रहा है, डाउ ऊपर दिख रहा है, तो हमें ये नहीं भूल जाना कि हमारे यहाँ सीमा पर तनाव भी चल रहा है। और अगर वो नीचे दिख रहा है तो ऐसे एकदम डर के बिल में नहीं घुस जाना कि अरे क्या होगा क्या होगा। जहाँ आपको सावधान होने की ज़रूरत है सावधान होना है ऊपर में, और जहाँ आपको पॉजिटिव या बुलिश होना है वहाँ होना है। अब देखिए, जहाँ से एंट्री हुई वहाँ से करीबन 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, 22175 के आसपास हमने इनफैक्ट 22140-150 के आसपास हमने राय दी थी, तो लगभग पौने 200 पॉइंट वहाँ से ऊपर हो रहा है। तो पहली चीज़ ये, बैंक निफ्टी पे कॉन्ट्रा कॉल भी है, काफ़ी लोगों का, मेरा अकेले का व्यू पॉजिटिव है, तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपको एक घंटे के अंदर पौन घंटे के अंदर 150-200 पॉइंट मिल रहे हैं, किसी भी हिसाब से कम नहीं है। और मेरे ख्याल से 22200 का जो कॉल ऑप्शन है उसका पहला टारगेट 275 का, वो भी लगभग आ चुका है, प्रॉफिट बुक करके रख सकता है। पहली चीज़ तो ये, जिन्हें कम रिस्क रखनी है और जो ओवरनाइट नहीं रखना चाहता, जो वाकई में कंजर्वेटिव ट्रेडर है, वो तो प्रॉफिट बुक कर ही ले, बिल्कुल कर ले। अब जिनको रखनी, उन्हें क्या करना है, 22300 का कॉल ऑप्शन, या आपने 22200 का लिया हुआ है तो वो रखिए, सामने 22500 का कॉल ऑप्शन जरूर बेच दीजिए, 22500 100% बेच कर जाइए अगर आपको करना है तो। बिल्कुल आप खाली कॉल ऑप्शन खरीद के बिल्कुल मत जाइएगा बैंक निफ्टी में, और 22500 का जरूर बेचना है, और वो इसलिए बेचना है 22500 पर है ना, कॉल राइटर्स काफ़ी बड़े हैं, तो एक बार 22500 को पार करने में पसीना तो आएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर बोल रहा हूँ, शॉर्ट पोजिशन अभी नहीं रखनी है। अब रिस्क एक ही है लॉन्ग पोजिशन में, कि चीन के साथ सीमा पर तनाव जो है वो बढ़ गया, तो वो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है बढ़ गया घट गया वो कुछ भी हो सकता है, जिसका नहीं पता है उसकी रिस्क को ध्यान में रखते हुए आपको पोजीशन बनाइए। ग्लोबल मार्केट की रिस्क कम है, नहीं तो कह ही नहीं सकते कम है, तो ग्लोबल मार्केट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेवल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 22200 का कॉल ऑप्शन जो आपने खरीदा हुआ है, सामने 22500 का बेच दीजिए। मैं चाहता तो आपको उस वक्त भी कह सकता था कि कॉल ऑप्शन बेचें, लेकिन अब 22500 के कॉल ऑप्शन में आपकी प्रीमियम बढ़ गई है, अब बेचने में मजा है। उस वक्त बेचते तो आपको प्रीमियम कम मिलती थी, अब बेचोगे तो प्रीमियम अच्छी मिलेगी, तो अब आप बेच दीजिए। और जो कमज़ोर ट्रेडर्स, या फिर कमज़ोर नहीं कहूँगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको, जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट बुक करके लाइफ एंजॉय करें, पहली चीज़। अब आइए निफ्टी में, 11300 का कॉल ऑप्शन खरीद कर 11400 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, सिंपल ये आपको करना है और कुछ नहीं करना है। तो 22200 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है, या तो प्रॉफिट बुक कर लें या 22500 पर बेच दें, अपने अपने रिस्क के हिसाब से। 11300 का कॉल खरीदना है, 11400 का बेचना है, सिंपल, ये क्लियर कट स्ट्रेटजी है। शॉर्ट पोजीशन सुबह ही बोल दिया था, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं किया है तो अब आपकी मर्जी। 11260 का स्टॉप लॉस सुबह दिया था निफ्टी पर, तो अब वो अगर नहीं किया तो वो अब आपकी मर्जी है, अब आप कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं करें तो ठीक है, अब कल देख लीजिए, अगर किसी को रिस्क रखनी तो रखे, बट ये है आपके लिए स्ट्रेटजी। जी दीप। ओके,
तो बैंक निफ्टी की जो कॉल थी 2:30 बजे की, वो सुपर हिट रही, टारगेट आ गया। अगर चाहें तो प्रॉफिट बुक कर ली या फिर एक हेज करना जरूरी है, और निफ्टी पर भी एक स्प्रेड के जरिए हेज करिए। बट बाजार का मूड पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, देखते हैं ये बरकरार रहता है या फिर खबरों के दम पर वापस हम लड़खड़ाते हैं कि नहीं। चलिए क्लोजिंग से पहले कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं और हमारे एक्सपर्ट से जल्दी से पूछ लेते हैं कि इन स्टॉक्स पर क्या राय बन रही है। काफी सारे स्टॉक्स पर आप निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। BHEL पर नजर डालिए, 2% की रिकवरी है निचले स्तरों से, हालांकि अभी भी 1.5% नीचे है। वोडाफोन आइडिया जो 5% तक नीचे था, अब सारी जो लॉसेज हैं वो रिकवर कर रहा है और वापस पॉजिटिव होते दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहा है और इंडसइंड बैंक, यहाँ पर हम सुबह से ही अच्छा ट्रेड देख रहे हैं और एक्शन बन रहा है। किरण जी, इंडसइंड बैंक पे क्या चल रहा है, क्योंकि सुबह की वीकनेस पे भी स्टॉक होल्ड आउट कर रहा था, वापस अब देख रहे हैं कि 1.5% की तेजी है, यहाँ पर कोई ट्रेड है या BTST कॉल बनेगा? बिल्कुल, अच्छा खासा पॉजिटिव डाइवर्जेंस शॉर्ट टर्म चार्ट्स में देखने को मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि जो कि लॉन्ग पोजीशन है, आपका स्टॉप लॉस 596 पे रखना चाहिए और ऊपर में मुझे लगता है कि 615-622 ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए BTST अगर कोई लॉन्ग पोजीशन करते हैं तो। ओके बंसल जी, टाटा पावर में एक अच्छा रिवर्सल आया, क्योंकि सुबह भी ये स्टॉक 2-3% नीचे था, 61 से 54 तक अच्छा करेक्शन हुआ है और वहां से बाउंस बैक हुआ है, अब 56 पर है, यहां पर कोई ट्रेड है? दिपांशु, वाकई में एक रिवर्सल हुआ है, नीचे से एक रिवर्सल हुआ है, तो जिन्होंने ले रखा है उनके लिए एक स्टॉप लॉस है 54.40 रुपीज का, बट नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट करूंगा, दूसरी जगह देखेंगे, बट जिन्होंने ले रखा है उनके लिए होल्ड है, नई खरीदारी के लिए अवॉइड करेंगे। ओके, नई खरीदारी के लिए अवॉइड करें, बट वैसे आप देखें तो ये मूव अच्छा आया है वहां पर। कुणाल जी, अमर राजा, यहां पर भी 3% की तेजी है, डेज हाई पर है, ऑटो स्टॉक्स के साथ साथ ऑटो एंसिलरी में भी एक्शन है, अमर राजा पर क्या करेंगे? देखिए, एक बहुत अच्छा रिकवरी हुई है निचले स्तरों से दीपांशु आज के ट्रेड में, और साथ ही एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न भी बन रहा है, पिछली कैंडल को पूरी तरह से आज की कैंडल ने कवर किया है, तो इसमें जरूर और अपसाइड बन सकता है दीपांशु। मुझे लगता है कि आज का जो डे लो है 709 रुपए के आसपास, वहां एक स्टॉप लॉस रखें तो मुझे लगता है कि 760 पहले और फिर 785-790 के लेवल्स पे आ सकते हैं, तो हमारा राजा में मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए, एक स्टॉप लॉस रख करके बाय करें इन स्तरों पर। ओके, अमर राजा पर भी आप नजर रख सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। यूनाइटेड स्पिरिट्स, वागले साहब, यूनाइटेड ब्रूरीज में तो बढ़िया एक्शन रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा है, अभी थोड़ा पॉजिटिव हुआ है स्टॉक, यहां पर ट्रेड बनेगा? दीपांशु, नहीं, बाउंस बैक ही लगता है, 550 का एक स्ट्रॉन्ग, 540-545 का एक सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक है, मुझे इतनी स्ट्रेंथ नहीं लगती है, हो सकता है ये 560 तक चला जाए, वहां पे रैली फिजल आउट हो सकती है। ओके, देखते हैं क्या एक्शन आता है, जहां तक सवाल है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। NMDC, किरण जी, मेटल स्टॉक्स में हमने रिवर्सल देखा है, सेल अब अच्छी तेजी में आ गया है, JSW स्टील पॉजिटिव हुआ है, NMDC भी 2-2.5% ऊपर है, उछाल आया था थोड़ी देर पहले, NMDC पर क्या व्यू है सर? बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है कि 93-93.50 तक जा सकता है, उधर एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो टूटा था, वो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मुझे लगता है कि 93.50 से लेके 95 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर अगर ये क्रॉस करता है तो फिर मेरा व्यू चेंज होगा। ओके, ग्रासिम के सॉरी वोडाफोन आइडिया के साथ साथ हमने ग्रासिम पर भी एक स्पाइक देखा है, वागले साहब, ग्रासिम डेज हाई पर आया, एक 2.5% का उछाल है, 700 के करीब है स्टॉक, यहाँ पे वापस मूवमेंट आएगा पॉजिटिव? दीपांशु, 720 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो एक 2-3% की अप मूव के लिए अगर प्ले करना है तो करंट लेवल पे या हल्का सा 692-693 के लेवल पे लिया जा सकता है, 684 का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट, ये 1-2 दिन के व्यू से प्ले किया जा सकता है। ओके, यहां पर भी नजर रखिए, और किरण जी, एक कॉल वोल्टास पर, क्योंकि वहां पर भी एक अच्छा उछाल आया है, वहां पर भी एक अच्छा रिवर्सल है, वोल्टास पर कोई कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होगा?
देखिए वोल्टास में आज सेलिंग देखने को नहीं मिली और फ्लैट होके बाद में एकदम से एक अच्छा डिमांड मूव देखने को मिला, तो बिल्कुल इधर लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस 644 का रहेगा, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 660 मेरा पहला रेजिस्टेंस रहेगा, ये निकलता है तो फिर 672 678 ये टारगेट मान के चलने चाहिए। स्ट्रेंथ बिल्कुल स्टॉक में देखने को मिल रही है। ओके तो नजर रखिए यहाँ पर, आखिरी आधे घंटे में स्पेशली मार्केट्स ने एक अच्छा रिवर्सल लिया है। निचले स्तरों से निफ्टी में तकरीबन 100 अंकों का सुधार आपने देखा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर भी एक अच्छी रिकवरी आती हुई देखी है, लगभग 200 अंकों का रिकवरी हुई है। और अनिल जी ने जो स्ट्रैटेजी दी थी वो भी सुपर हिट रही। जल्दी से एक बार आपको दिखा देते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी दी गई थी बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है, मैं स्पॉट लेवल आपको बता रहा हूँ, यहीं पर खरीदारी कर लीजिए, 150 पॉइंट की और जगह रखिए। अगर 22,000 तक आता, वैसे आएगा नहीं, लेकिन सेफर साइड पे मैं आपको 150 पॉइंट और नीचे की जगह दे रहा हूँ। 21,900 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 21,900 का स्टॉप लॉस। खरीदारी की रेंज 22,000-22,150 है। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे दीप वो है 22,300-22,450-22,550। बैंक निफ्टी 22,300 टच कर चुका है, तो पहला टारगेट हमारा जो बैंक निफ्टी पर स्पोर्ट लेवल पर 22,300 का था वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि स्टॉप लॉस को ऊपर सरका लें। तो सुपर हिट रही बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी, और अनिल जी ने जैसे कहा अगर आप चाहें तो मुनाफा बुक कर सकते हैं या फिर एक हेज क्रिएट कर लीजिए और फिर पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करिए कल के लिए। पर अच्छी रिकवरी हुई है, देख लेते हैं आज पार्टिसिपेशन कहां पे। और ज्यादातर ये जो पार्टिसिपेशन है ये आखिरी आधे एक घंटे में ही आते हुए आपने देखा है। टाटा स्टील टॉप गेनर निफ्टी पे 3.5% का उछाल, जी एंटरटेनमेंट यहां पर अच्छा रिवर्सल हुआ, साथ ही ग्रासिम यहां पर अच्छा मूवमेंट हुआ, फार्मा आज पूरे दिन पॉजिटिव रहा है, सिप्ला यहां पर आपको टॉप फार्मा गेनर दिखाया जहां तक निफ्टी का सवाल है। पर सबसे ज्यादा सपोर्ट आज रहा है जहां तक निफ्टी का सवाल है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां पर 2.5% की तेजी है तो इससे आपको अच्छा सपोर्ट मिला है। पर मेटल्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, जेएसडब्ल्यू स्टील हिंडाल्को यहां पर मूवमेंट आया है, साथ ही डॉक्टर रेड्डी सुबह से ही एक्टिव रहा है, सन फार्मा में भी अच्छी खरीदारी है, और साथ ही ऑटो स्टॉक्स पर मूवमेंट अच्छा रहा है, हीरो मोटोकॉर्प सबसे आगे है, पर M&M आइशर मोटर्स यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी होती देखी है, और साथ ही बजाज ऑटो यहां पर भी मूवमेंट पॉजिटिव रहा। हालांकि बैंक्स में रिवर्सल था पर फिर भी 450 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है। सबसे नीचे था आज SBI, पर ICICI बैंक पर भी आपने प्रेशर बनते हुए देखा है, HDFC बैंक भी गिरावट के साथ बंद हो रहा है। इसके अलावा दिग्गज HUL TCS यहां पर आपने दबाव देखा है, साथ ही इन्फोसिस भी अंडर प्रेशर था, और कोटक बैंक में भी गिरावट रही है। ITC एक बार फिर से परफॉर्म नहीं किया, 2% नीचे है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली निफ्टी में ही क्लोज कर रहा है। फ्यूचर्स की बात करें तो काफी सारे स्टॉक्स टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड एक्शन में आते हुए दिखे, बट सबसे आगे एस्कॉर्ट्स अपने लाइफ हाई की तरफ वापस जा रहा है 1200 के पास। बायोकॉन अच्छी खरीदारी यहां पर देखी है, अमर राजा, औरोबिंदो फार्मा, लूपिन यहां पर मूवमेंट अच्छा रहा, ग्लेनमार्क ने भी पार्टिसिपेट किया, और साथ ही टोरेंट फार्मा में भी खरीदारी आई, स्टील अथॉरिटी, GMR इंफ्रा, पेज इंडस्ट्रीज, कैडिला, UPL, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक सुबह से एक्टिव रहा है, अंबुजा सीमेंट्स, बर्जर पेंट्स यहां पर अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी, और डिवीज लेबोरेटरीज यहां पर भी अच्छा मूवमेंट रहा है। ब्रेथ काफी इंप्रूव हुई है टुवर्ड्स क्लोज ऑफ ट्रेड, और अनिल जी हम देख भी रहे हैं कि रिकवरी तो हुई है बट फिर भी 30 अंक नीचे निफ्टी क्लोज हुआ है 11,285 प्रोविजनल। बैंक निफ्टी अभी भी कमजोर बट ऑफकोर्स निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी रही है, तो पॉजिटिव ही लेना चाहिए सर कल वीकली एक्सपायरी से पहले, अगर कुछ और नेगेटिव नहीं आता है आज शाम को तो। ना ना दीप, देखिए ऐसे आप नीचे से देखेंगे तो पॉजिटिव ले सकते हैं, एकदम परफेक्ट लेवल से निफ्टी घुमा है 11,175, हम लगातार चीख चीख के कह रहे थे और कह रहे थे 11,175 11,225 आज बाई जो है वहाँ से घुमा तो सही जगह से, इसमें कोई डाउट नहीं है, 11,300 तक पहुँचा भी है। तो आप ना हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वैसा वाला मामला है, हमें फुल इसलिए लग रहा है कि हमने बेचने के वक्त भी सही लेवल देख लिए थे और लेने के वक्त भी सही लेवल पे एंट्री हुई, तो आपका कंफर्ट आ जाता है। सपोज आप 11,200-11,225 की रेंज में घुसें तो आपको 50-75 पॉइंट का कुशन मिल जाता है। बैंक निफ्टी अगर आपने 22,150-160 के आसपास एंट्री की, 122-140 पे हमने कॉल दिया था, तो वहाँ से आपको 150-200 पॉइंट का कंफर्ट आ जाता है, तो उस हिसाब से ठीक है। बट इसमें कोई डाउट नहीं, खाली डेटा के हिसाब से आप देखेंगे तो क्लोजिंग तो बैंक निफ्टी पर स्पेशली खराब ही है। भले मेरा बाय कॉल है वो सब अपनी जगह है, लेकिन क्लोजिंग इतनी अच्छी तो नहीं है, 22,450 के नीचे की क्लोजिंग खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब वापस से मूड हमें चेंज कब करना है, जब 22,450 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे, यानी कि अभी 250 पॉइंट की और रिकवरी चाहिए, उसके बाद बैंक निफ्टी बेहतर होता दिखेगा। निफ्टी उतना खराब नहीं है, निफ्टी ने कल के लोज पे ही क्लोज दिया, कल का लो था 11,290 का,
11285 पर क्लोज हुआ। तो निफ्टी न्यूट्रल होकर क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी अभी भी नेगेटिव क्लोज है। अब कुछ अच्छा चाहिए हमें, कल सुबह वापस से ग्रीन शर्ट ना पहननी पड़े, उसके बगैर ही तेजी हो जाए। उसके लिए ये चाहिए कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़े चुस्त दुरुस्त हो जाएं और सीमा पर कोई ख़राब खबर सुनने को ना मिले, तो फिर हम मैनेज कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ और उसमें से एक ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के संकेत तो थोड़े मिल रहे हैं। एक बार मैं जरा देख लूँ हमारे बंद होते डाउ और नैसडेक के फ्यूचर कितने ऊपर ट्रेड करें, तो कल ध्यान तो रहेगा ना कि भाई जब हम बंद हुए थे तो क्या हाल था, वाकई में फिर उसके बाद कैसे क्या रहा। तो एक बार जरा जल्दी से दोनों फ्यूचर्स देख लीजिए, डाउ और नैसडेक के, कि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर 187, डाउ मैं नोट भी कर लेता हूँ ताकि ठीक रहेगा, 187 प्लस, और नैसडेक 225 प्लस। वाह क्या बात है, ये देखिए कल यही हाल था परसों, कल के जब 230 अंक नीचे दिख रहे थे नैसडेक फ्यूचर, वहाँ हमने शॉर्ट कॉल दिया था। आज नैसडेक फ्यूचर 230 अंक ऊपर दिख रहे हैं, आज बाय कॉल है, देखते हैं क्या कुछ होता है, पता चलेगा थोड़ी देर में। आइए तब तक मैं आपको एक दो चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है। एक तो हाँ, जो आशु सर पैटर्न की बात कर रहे थे, वो रबर बैंड वाला पैटर्न, उस पर मेरा एक सवाल कुणाल जी से है, लेकिन मैं कुणाल जी से इसलिए नहीं पूछ पाया उस वक्त, क्योंकि उस वक्त बहुत सारा काम पेंडिंग था और बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। तो मैं कुणाल जी, आप जरा रहिए, इधर उधर मत हो जाइएगा, मैं आपके पास आने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि क्या कुछ हो रहा है आज बाजार बंद होने के बाद जी बिजनेस पर आपके लिए खास, शाम 6 बजे आपकी खबर, आपका फायदा। वैक्सीन ट्रायल पर ब्रेक, ये हमारा आज शाम का खास शो है, क्योंकि आपने सुना होगा एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन की रेस में सबसे आगे चल रही थी, उन्होंने अपनी तीसरी स्टेज का ट्रायल रोक दिया, क्योंकि एक आदमी के ऊपर जो वो ट्रायल कर रहे थे उन पे थोड़े गंभीर साइड इफेक्ट दिखे हैं। अभी कितने गंभीर है क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन दोबारा ट्रायल कब शुरू होगा, कितना डिले हो सकता है, साइड इफेक्ट दिखे वो वाकई में कितने गंभीर है, क्या कंपनी इस पर फिर से रिसर्च करेगी या कुछ फेर बदल करेगी, दूसरी कंपनियां जो वैक्सीन पर काम कर रही है वो कितनी सुरक्षित है, क्या अब वैक्सीन आने में और लंबा समय लग सकता है, क्योंकि अगर एस्ट्राजेनेका ऐसी बात करती है तो बाकी कंपनियों को भी सोचना पड़ेगा कि हमें वैक्सीन पर और ज़्यादा गहरी रिसर्च करनी है, ट्रायल करनी है। तो ये सारे सवाल हैं, इनके जवाब देने के लिए तीन खास मेहमान, डॉक्टर रवि गोडसे प्रेसिडेंट पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन LLC के, डॉक्टर हेमंत पिठक्कर कंसल्टेंट फिजिशियन, और डॉक्टर और प्रोफेसर NK गांगुली पूर्व DG ICMR। शाम 6 बजे खास शो, और रात 8:30 बजे एक और खास शो, जीरो इंटरेस्ट पर लोन स्कूल फीस का सॉल्यूशन। कोरोना काल में ये बड़ी हमारे पास कंप्लेंट्स आई है कि स्कूल फीस मांग रहे हैं, कोई रियायत नहीं दे रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, टाइम भी और ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, और अब ये ऐसी चीज़ें आपके दिल के बड़े करीब होते हैं, आप कुछ भी कर लेंगे, खाना कम खा लेंगे और कई खर्चे बचा लेंगे, लेकिन बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे कि बच्चों की एजुकेशन से ज़्यादा बड़ा क्या। लेकिन अब अगर इस कोरोना काल में वाकई में पैसों की किल्लत है, मुश्किल है, तो आप किस तरह से अपने बच्चों की स्कूल फीस का इंतज़ाम कर सकते हैं, स्कूल फीस के लिए जीरो प्रोसेसिंग फीस और जीरो इंटरेस्ट पर लोन कैसे मिल सकते हैं, जी हाँ, जीरो प्रोसेसिंग फीस, जीरो इंटरेस्ट पर लोन कैसे मिल सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग शो होगा। अगर आप भी स्कूल फीस के इस पेमेंट को लेकर परेशान हैं तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, इसका हम जवाब देंगे आज शाम 8:30 बजे, मिस मत करिएगा। जीरो इंटरेस्ट पर लोन स्कूल फीस का सॉल्यूशन, ये है आपके लिए। आइए, तो ये आपके लिए दो बड़ी चीज़ें जो हमने आपको बताई है, और आइए कुणाल जी, हाँ अब कुणाल जी ये बताइए कि जो आशु सर कह रहे हैं कि ये आप नए पैटर्न कहाँ से निकाल के लाते हैं, हम क्या माने, क्या ये पैटर्न्स वाकई में कहीं पुस्तकों में है या आप अपनी मर्जी से कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं, ये रबर बैंड पैटर्न तो हमने पहली बार सुना। जी आशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक बार पहले कुणाल जी से मैं व्यू ले लेता हूँ, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। जी जी कुणाल जी बताएं। अनिल जी देखिए, आशु जी जो कह रहे हैं इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अनिल जी मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि देखिए जो हम ये एनालिसिस कर रहे हैं अनिल जी, विशेष रूप से जो चार्ट्स देखते हैं इसमें अनिल जी बहुत मेहनत लगती है। तो देखिए ये जो एक एक पैटर्न हम लोग खोज करके निकालते हैं, काफी बरसों का अनुभव इसमें, काफी मेहनत लगती है तब जाकर वो पैटर्न दिखता है। जो नए लोग चार्ट देखते हैं उनको कई बार वो पैटर्न्स दिखाई भी नहीं पड़ते, जैसे अभी जय चर्चा कर रहे थे डायमंड पैटर्न की, बजाज ऑटो के इंट्राडे चार्ट पर डायमंड पैटर्न उन्होंने खोजा। अरे जी इसमें बहुत परिश्रम लगता है, तो मैं सबको बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो पैटर्न हम लोग बताते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए,
और अगर मान लीजिए पैटर्न्स की मालूमात नहीं है तो उसके लिए थोड़ा अध्ययन करें तो ये समझ आएगा। और इसकी अनिल जी बहुत बड़ी पावर है, अनिल जी इन पैटर्न्स की बहुत पावर है, तो इनकी पैटर्न्स को कम ना आके अनिल जी, बस ये मेरा इतना सा आग्रह। अच्छा आप कह रहे थे बहुत मेहनत लगती है, मुझे लगता है सबसे आसान काम यही है चार्ट्स देखना और पैटर्न देखना। हमें कोई एक कंपनी का ले कोई पूछे फंडामेंटल एनालिसिस तो हम तो इधर उधर बगले जानने लगते हैं कि अरे इसका कौन एमडी है, कंपनी क्या करती है, कहाँ क्या। आप तो धर रहे एक सेकंड में, बंसल जी बताइए, बंसल जी के लेवल तैयार, कुणाल जी बताइए लेवल तैयार। मैं तो समझा सबसे दुनिया में सबसे आसान काम आप ही का है। सुनिए हाँ अनिल जी सुनिए, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ और ये अनिल जी आप चाहें तो मस्ती की पाठशाला का विषय भी हो सकता है अगर आपको ये ठीक लगता है। अनिल जी देखिए, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनके साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार होता रहा है, उनके काम को हमेशा लोगों ने बहुत ही आसान समझा है, जबकि ये जो मंच पर जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं आप इनसे पूछिए, फंडामेंटल एनालिस्ट को ज्यादा तरजीह मिलती है, उसके काम को ज्यादा लोग वो विश्वसनीय मानते हैं। और हमारा काम अनिल जी ज्यादा मुश्किल है, पूरे समय हम स्क्रीन को देखते रहते हैं और इतनी मुश्किलों से स्टॉक्स खोजते हैं अनिल जी, इसमें बहुत मेहनत लगती है और ये काफी दिमाग का इस्तेमाल होता है। तो मेरी राय में अनिल जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, बराबर तरजीह टेक्निकल एनालिसिस को भी दी जानी चाहिए। देखो अगर आप लोगों को चाहिए कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उनका काम भी मुश्किल समझा जाए, तो पहले मुझे टेक्निकल एनालिसिस समझाइए, क्योंकि मैं फंडामेंटल एनालिसिस हूँ, एनालिसिस करता हूँ या एफएनओ का करता हूँ, तो मुझे लगता है मेरा काम ज़्यादा मुश्किल वाला है। मुझे बाकी कोई ऐसा स्टॉक जिसका मैं डेटा नहीं देखता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि ये इसमें क्या है, तो इसलिए मेरे लिए तो वो ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। एक मिनट आशीष, मैं आपकी आवाज़ आ रहा हूँ, लेकिन वागले साहब भी इस मोर्चे में शामिल होना चाहते हैं पूरा, ये मुझे लग रहा है कि आज है ना डेमोक्रेसी का फायदा उठाएंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट हैं 5 और मैं तो न्यूट्रल माना जाऊंगा, मैं और दीप तो, और अकेले फंडामेंटल वाले बचे हैं आशु जी। पहले वागले साहब की राय, आशु जी बाद में आपके पास आता हूं। जी जी वागले साहब। अनिल जी मैं कुणाल जी से बिल्कुल सहमत हूं, उन्होंने एक पते की बात कही है, हालांकि मैं ये टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल कौन इम्पोर्टेंट है कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसमें पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि दोनों की जगह है, दोनों की स्पेस है और दोनों का इम्पोर्टेंस है। लेकिन उन्होंने जो कहा है, मैं उन्होंने जो कहा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लेते हुए, पैटर्न्स की ऐसी बात है कि जितने साल आप पैटर्न देखेंगे उसका रिजल्ट बदलेगा, और आपको ऑलरेडी कल के लिए टॉपिक मिल गया है ऐसा मेरा मानना है। तीन टेक्निकल एनालिस्ट, तीन फंडामेंटल एनालिस्ट लेके एक डिबेट हो सकता है। नहीं नहीं, इसमें तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि जितना आप देखेंगे पैटर्न उतना मजा आएगा, क्योंकि मैं खुद आज सुबह दीप से यही बात कर रहा था कि मैं जितना डेटा में घुसता हूँ मुझे कुछ नया नजर आता है। जैसे हम मंडे को डिस्कस कर रहे थे डेटा में घुसे कि अमेरिकी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही, उस पर हमने डिस्कस किया और आप देखिए वहीं से एक सुराग मिल गया कि मार्केट करेक्ट हो चुका हो सकता है और वो आपके काम भी आए। तो जितना घुसेंगे उसमें तो कोई डाउट नहीं, पढ़ने की तो कोई सीमा ही नहीं है। जी जय आप बताइए उसके बाद, क्योंकि आशु जी के बोलने के बाद किसी के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो पहले आप अपनी राय रख दें। सही बात अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। अनिल जी मैं ये कहूंगा कि टेक्निकल्स आप जैसे बता रहे थे ना कि आप ये भी शो चालू कर सकते हैं अनिल जी, जैसे आपकी एफएनओ की पाठशाला है ऐसे अगर कोई टेक्निकल की पाठशाला हो जाए अनिल जी, तो मेरा ये मानना है कि जो एक कुणाल जी ने बताया कि कहीं ना कहीं एक सौतेला व्यवहार हुआ है के होते आता है टेक्निकल एनालिस्ट के साथ के एनालिसिस के साथ, कि कहीं ना कहीं बहुत मेहनत लगती है अनिल जी। बिल्कुल मैं कुणाल जी से सहमत हूँ, इनफैक्ट अनिल जी ये पैटर्न ढूंढने में उसमें प्लेआउट होने में कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी चलने में नहीं चलने में अनिल जी, और इतने सारे स्टॉक्स, मतलब जैसे आपने बताया ना कि आपने राकेश जी को पूछा, राकेश जी ने तुरंत वीडियो, मतलब हमें 1800 स्टॉक्स जो लिस्टेड है 1800 प्लस निफ्टी पे स्टॉक, वो माना जाता है कि टेक्निकल एनालिस्ट तो बता देगा, फंडामेंटल एनालिस्ट तो बोल देता है हमारे कवरेज में नहीं है तो हम इस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे, पर टेक्निकल एनालिसिस से तो ये उम्मीद की जाती है कि ये तो बता ही सकते हैं। अनिल जी वो एक चैलेंज हो जाता है, वो चैलेंज बहुत खूबी से टेक्निकल एनालिस्ट अनिल जी प्ले आउट करते हैं। तो अनिल जी ये पाठशाला भी हो सकती है और टेक्निकल्स की पाठशाला। जी आप सब, आपके कुणाल जी की जो दिल की परेशानी है उसका जवाब मैं दूंगा सोतेले व्यवहार वाला, लेकिन हाँ उससे पहले आशु जी अपनी बात रखें, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। जी आशु जी। अनिल जी सबसे पहले तो मैं कुणाल जी को ये बोलूंगा कि टेक्निकल एक साइंस है तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और हमें तो प्रॉब्लम जो या समझने या ना समझने की वो नामों से है, तो साइंस को तो हमने कभी कहा ही नहीं है साइंस है, इसलिए उनसे एक्सपेक्टेशन भी रहती है। Yes, ये बात तो सही रहती है, तो ये तो हम रेकग्नाइज करते हैं इसीलिए,
तो रही बात नामों की जो बनाते हैं, तो ऐसे अनिल जी अब एक स्टॉक मतलब ऊपर है और ऊपर ऊपर से जाएगा तो हम वीरेंद्र सहवाग का अपर कट कुछ बना देंगे, ये अपर कट पैटर्न है, या धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट हेलीकॉप्टर पैटर्न है, नीचे से एकदम स्टॉक घूम रहा है, तो ये अपने आप बना लेते हैं, वही जो आपने बोला पुस्तकों में है, ये नाम बनाने वाली बात है, मतलब साइंस से कोई कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, हमारा तो समझने था कि ये नए नए नाम बना के मतलब जैसे वो इम्प्रेस करना होता है, अब तो इनकी ऐसी एज भी नहीं है कि किसी लड़की को इनको इम्प्रेस करना हो, नहीं लेकिन तो ये जो इम्प्रेशन डालने के लिए नए नए नाम बोलते हैं उससे प्रॉब्लम है मतलब। अब मैं भी लेकिन ये नाम होने चाहिए, नहीं नहीं ये नाम होने चाहिए, मैं है ना, मैं आशीष जी नाम के मामले में मैं कुणाल जी से सहमत हूँ, नाम होते ना, नाम से क्या होता है कि इंटरेस्ट आ जाता है, देखिए हमें कितना इंटरेस्ट आया, ये रबर पैटर्न नहीं होता, एक में किरण जी कुछ कहना चाहता है, जी किरण जी नाम जो कुणाल जी दे रहे हैं वो एकदम सही है, मेरा मानना है कि जो जिस तरीके से पैटर्न बनते हैं उसका नाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए उसके उसका रीजन जो समझाता है वो नाम उसके उसके चलते मुझे प्राइस टारगेट आते हैं, ये बहुत मेहनत के इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये तो मतलब फोकस किरण जी पे ना करें, किरण जी के कमाल पर करें जो मतलब आपका बिगुल है, जल्दी से बात खत्म करें, नहीं तो मृत्युंजय मुझे कहेंगे कि एक मिनट मृत्युंजय कहेंगे ये मस्ती की पाठशाला नहीं है, मेरा शो कमोडिटीज का और पीछे कमोडिटी वाले ट्रेडर तैयार हो रहे, लेकिन हाँ ये चर्चा जारी रहेगी, उससे पहले मैं समापन कर दूं, समापन में एक ही चीज है, बाकी सब ठीक है, कुणाल जी की एक आपत्ति रद्द, कुणाल जी जो आपने कहा कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ सौतेला व्यवहार, बिल्कुल रद्द, आपकी बात 100% सरासर गलत, अगर ऐसा होता तो मेरे पैनल पे अभी 5 टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होते, 5 फंडामेंटल एक्सपर्ट होते हैं, ज्यादा वजन आपको आशीष जी अकेले है, तो चलिए इसी बस्ती के साथ, तो मुझे पता है आप सब लोगों को बहुत सारी चीजें कहनी है, लेकिन कहें इसके लिए भी एक विशेष शो का आयोजन होगा, तब तक के लिए आप सब लोगों से लेंगे विदा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद,